नमस्कार, द सिविलियंस विद शिखर पांडे संस्थान में मैं शिखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से सबकी चल रही होगी। आज हम लोग ना राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में लगभग 400-500 प्रश्नों पे हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। पूरा कोशिश यह होगा हमारा कि आमतौर पे जो तथ्य परक चीजें होती हैं आपके कॉपी में निश्चित रूप से लिखी हुई होती हैं, आपको पहले से पता होता है किस दिन कौन सी घटना होती है राष्ट्रीय आंदोलन में, कहां कहां क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको पता होती हैं। लेकिन आज जब हम लोग यह प्रश्नोत्तर करेंगे ना, तो आपको अंदाजा होगा कि तमाम जानकारियों के बाद कैसे एग्जामिनेशन हॉल में कुछ प्रश्न आ जाते हैं, कैसी दुविधा उत्पन्न हो जाती है और आते हुए प्रश्न को भी हम गलत कर लेते हैं। पढ़े हुए होते हैं लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस नहीं रहता है, सारी चीजों पे एक समान नजर नहीं रहती है, आती हुई पढ़ी हुई चीजें गलत हो जाती हैं। तो वो समस्या न पैदा हो इस वजह से राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ऐसे हम तमाम सारे प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिले और नए नए प्रकार के बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे देखने को मिले। देखें, पहला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, गलत उत्तर ना हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन सी घटना हुई थी, कौन सी घटना हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अब आपका ध्यान आपकी कॉपी पे जाना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में आपने कॉपी में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, जिनके जो भी स्रोत हैं वहां पे ध्यान जाना चाहिए और उसके बाद तथ्यों को यहां पे देखें और सही उत्तर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझेंगे, सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की थी, क्या यह बात सही लिखी हुई है, जल्दी लिख करना शुरू करेंगे, क्या यह बात सही लिखी हुई है। हाँ बिल्कुल, यह सही बात लिखी हुई है कि सी राजगोपालाचारी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब हो रहा है यह सब कुछ आपको पता है तो हम लोग उस पे समय जाया नहीं करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से होती है, कैसे होती है हम लोग उस पे डिस्कस नहीं करेंगे, आपको पहले से ही पता है वो सब। जो आपको नहीं पता है उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। सी राजगोपालाचारी ने कहां से, त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक, कहां से, त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक, कौन, राजगोपालाचारी जो दांडी मार्च महात्मा गांधी कर रहे हैं उसी के पैरेलल ये तमिलनाडु में, कहां पे, तमिलनाडु में कौन कर रहा है, सी राजगोपालाचारी यह मार्च कर रहे हैं। दूसरा, सरोजनी नायडू ने धर्मशाला में सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, क्या यह सही है, हाँ यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नहीं पता हो तो बिल्कुल नोट करते चले जाना साथ में भाई। दूसरा लिखा हुआ है सरोजनी नायडू ने धर्मशाला कहां पे है, गुजरात में सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही बात है। तीसरी बात, पूर्वी भारत में जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से इनकार कर दिया था, पूर्वी भारत का मतलब कहां पे, बिहार में, बिहार में चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन चला हुआ था, सत्याग्रह चला हुआ था, किस समय काल की बात हो रही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। चौथी बात, कटक, पुरी तथा बालासोर अर्थात ये तीनों के तीनों क्षेत्र उड़ीसा में है, जैसे तटीय इलाकों में नमक सत्याग्रह अधिक प्रभावकारी रहा, क्या होगा आपका उत्तर, कॉमन सेंस लगा करके उत्तर बताएंगे, क्या होगा आपका उत्तर, क्या होगा, ध्यान से समझें गलत ना हो। कटक, पुरी, बालासोर, उड़ीसा जैसे तटीय इलाकों में नमक सत्याग्रह अधिक प्रभावकारी रहा, बिल्कुल यह सही बात है, दांडी मार्च भी कर रहे हैं, दांडी पहुंच रहे हैं, नमक सत्याग्रह कर रहे हैं, वहां पे नमक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, सांकेतिक रूप से एक मुट्ठी नमक उठा लेते हैं, 6 अप्रैल 1930 की बात है, 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंच करके साबरमती आश्रम से दांडी के लिए मार्च करते हैं और 78 अनुयायियों के साथ कुल 24 दिवसीय मार्च रहता है, 12 मार्च से यह यात्रा शुरू करते हैं दांडी मार्च की गांधी जी और 6 अप्रैल को पहुंचते हैं, 6 अप्रैल को नमक कानून का सांकेतिक रूप से उल्लंघन करते हैं और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट शुरू हो जाता है और यह चारों के चारों बातें सही लिखी हुई हैं, न पता हो तो बिल्कुल ध्यान से नोट करते चले जाएंगे, ये चारों के चारों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में। क्लियर है भाई, बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू निम्नलिखित में किस
से संबंधित थे? नेहरू जी की बात हो रही है, किस से संबंधित थे, किससे किससे संबंधित थे, कॉमन सेंस लगाएं, न पता हो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। किससे संबंधित थे? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से संबंधित थे, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस से संबंधित थे, नेशनल लिबरल लीग से संबंधित नहीं थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। किससे किससे संबंधित थे भाई, पता है? तो उत्तर क्या होगा आपका? 1, 2, 3 गलत लिखा हुआ है, 1, 2, 4 नेहरू जी इन इन पार्टियों से संबंधित रहे हैं, संस्थाओं से संबंधित, पार्टी नहीं कहेंगे संस्था कहेंगे, इन इन संस्थाओं से संबंधित रहे हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब? 1929 में। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस कब? 1939 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वैसे तो 1920 में हो रही है, 30 के दशक में जवाहरलाल नेहरू भी इसके एक अध्यक्ष रूप में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई? उत्तर होगा कौन सा? सी उत्तर होगा, 1, 2, 4 तीसरे से संबंधित नहीं है, नेशनल लिबरल लीग से संबंधित जवाहरलाल नेहरू नहीं है। क्लियर है? आगे बात करते हैं, न पता हो तो नोट कर लेना, नोट करने से फायदा होता है। अगले 1.5 से 2 घंटे में ऐसे बहुत सारे तथ्य आपको मिलते चले जाएंगे आपकी परीक्षा में, क्या पता डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाए। तीसरे प्रश्न में बात करेंगे, निम्नलिखित में किसने आजाद हिंद फौज के अफसरों की वकालत की थी? आजाद हिंद फौज के अफसरों की वकालत किसके द्वारा की गई थी? क्या ये तेज बहादुर सप्रू थे, राजगोपालाचारी थे, नेहरू जी थे, कैलाश नाथ काटजू थे, कौन थे? जल्दी बताएंगे भाई। उम्मीद करता हूं कि दिमाग पे जोर अब पड़ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कितने अच्छे प्रश्न हैं और कितनी मुश्किल हो रही है आपको। सी वेरी गुड, सी उत्तर बिल्कुल सही बता रहे हैं। 1, 3, 4 सी राजगोपालाचारी आजाद हिंद फौज के अफसरों की वकालत नहीं कर रहे हैं, तेज बहादुर सप्रू कर रहे हैं, कैलाश नाथ काटजू कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं, और इन सारे वकीलों का नेतृत्व कौन कर रहा था? इन सारे वकीलों का नेतृत्व भूला भाई देसाई कर रहे थे। कौन कर रहे थे? भूला भाई देसाई, याद रहेगा, भूला भाई देसाई के नेतृत्व में ये सारे के सारे वकीलों की फौज। 1945 की बात है, नवंबर 1945 की बात है। आजाद हिंद फौज के अफसर कौन कौन से अफसर? वो तीन अफसर थे, कोई नाम बताएगा? कितने अफसर थे वो? तीन अफसर थे। कौन कौन से, कोई बताएगा भाई? प्रेम सहगल, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान, ये तीन अफसर थे। प्रेम सहगल, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान, यह तीन अफसर थे जिन पर कहां पे लाल किला में मुकदमा चलाया जा रहा था, दिल्ली के लाल किला में, और वकीलों की एक भारतीय वकीलों की एक फौज उनको बचाने के लिए लड़ पड़ती है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगली बात देखते हैं। चौथा प्रश्न, देशी रियासतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है, देशी रियासतों के संदर्भ में बात हो रही है, सत्य कथन पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए, पता हो तो ठीक है, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा है। देश में छोटी बड़ी कितनी रियासतें थीं? 562 रियासतें थीं, याद रहेगा 562 रियासतें थीं। लोगों के अधिकारों की अर्थात देशी रियासत के लोगों के अधिकारों की लड़ाई के लिए इन राज्यों में प्रजामंडल जैसे संगठन की स्थापना की गई। कौन से? प्रजामंडल जैसे संगठन की स्थापना की गई, अधिकारों की लड़ाई के लिए प्रजामंडल जैसे संगठनों की स्थापना कहां की जा रही है? देशी रियासतों में की जा रही है। रियासतों की जनता के सभी संगठन 1927 में एक अखिल भारतीय संगठन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस में एकत्रित हो गया। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हो रहा है? 1927 में हो रहा है। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हो रहा है? 1927 में हो रहा है।
किससे संबंधित है? यह देशी रियासतों से संबंधित है। देशी रियासतों के जो लोग हैं उनके अधिकारों के संदर्भ में इस संगठन का गठन हो रहा है। बलवंत राय ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के सचिव थे, यह भी बात सही लिखी हुई है। यह दूसरे बलवंत राय हैं, यह चार के चारों बातें सही लिखी हुई है। उत्तर होगा डी 1, 2, 3, 4। फिर से ध्यान से देखेंगे आप, फिर से ध्यान से देखेंगे। कुल छोटी बड़ी 562 रियासतें थीं। पहली बात, देसी रियासत के संदर्भ में बात हो रही है। लोगों के अधिकारों की लड़ाई के लिए इन देसी रियासतों में प्रजा मंडल जैसे संगठन स्थापित हुए थे। तीसरी बात, रियासतों की जनता के सभी संगठन अर्थात प्रजा मंडल जैसे सारे जो संगठन थे 1927 में एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में परिणत हो जाते हैं। सभी देशी रियासतों के संदर्भ में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस और बलवंत राय इसके सचिव रहे। यह चारों की चारों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई है, याद रहेगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आपको पता है 1920 में इसकी स्थापना हो रही है, बंबई में स्थापना हो रही है और लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष के रूप में रहे। लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष के रूप में रहे, निश्चित रूप से आपको पता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, पहले भी आपको बताया हुआ है कहां पे स्थापना हो रही है, बंबई में, और 1920 में लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष है। अब भारत में 1920 में एटक की स्थापना क्यों हो रही है? तो आपको यह शायद जानकारी होगी कि 1919 में आईएलओ की स्थापना होती है। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होती है। क्यों भाई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होती है और इसी से प्रभावित होकर के, भारतीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर के 1920 में मजदूरों के अधिकारों के संदर्भ में, उनको सुरक्षित रखने के संदर्भ में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बंबई में 1920 में होती है। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष रहे। कौन अध्यक्ष रह चुके थे? सुभाष चंद्र बोस भी इसके अध्यक्ष रहे कभी ना कभी, चितरंजन दास भी अध्यक्ष रहे, जोसेफ बैपतिस्ता इसके अध्यक्ष नहीं रहते हैं। इसके साथ साथ यहां पे वीवी गिरी का नाम आपने सुना होगा जो कि राष्ट्रपति भी रहे, वीवी गिरी। एन एम जोशी का नाम आपने सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना होगा आपने, ये सारे लोग कभी ना कभी अध्यक्ष रहे, याद रहेगा। क्या होगा उत्तर इसका? 1, 2, 3 सी उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़े, जोसेफ बैपतिस्ता जो थे वो उपाध्यक्ष के रूप में, पहले उपाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। आगे बात करेंगे पांचवें के बाद छठे प्रश्न पे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व कौन कर रहा है? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, ये तीन नाम आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा। ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन क्यों हो रहा है? तो पूर्ण स्वराज के संदर्भ में, पूर्ण स्वराज की मांग पर डटे रहने के संदर्भ में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन हो रहा है, ताकि कांग्रेस के ऊपर एक इंपैक्ट पड़े। किसका? युवा वर्ग का, युवाओं का एक प्रभाव पड़े। युवा क्या चाह रहे थे कि इस समय स्थिति ऐसी है कि पूर्ण स्वराज से कम हमें कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। लेकिन नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू कमेटी गठित होती है, नेहरू रिपोर्ट आती है, उसमें पूर्ण स्वराज की बात नहीं की जा रही थी। तो सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, सत्यमूर्ति जैसे कुछ लोग थे जो कि इस बात को लेकर के नाराज थे। गांधी जी ने, जो पुराने कांग्रेसी थे, जो नए कांग्रेसी युवा वर्ग थे, दोनों के बीच में बीच बचाव किया कि भाई एक वर्ष का समय दे दो, अगर एक वर्ष के भीतर डोमिनियन स्टेट वाली मांग को अंग्रेज स्वीकार नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक पूर्ण स्वराज के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। तो
याद रखना है कि यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा वो निश्चित रूप से पूर्ण स्वराज को ही लक्ष्य करके आंदोलन छेड़ा गया था। याद रहेगा असहयोग आंदोलन की बात करते हैं जो अखिल भारतीय स्तर पे गांधी जी का प्रथम आंदोलन माना जाता है, तो 1920 से 22 वहां पे गांधी जी ने कहा हुआ था कि एक वर्ष के भीतर स्वराज मिलेगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को, आपको पता है लेकिन दिमाग में संकेंद्रित नहीं है तरीके से। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कहा हुआ था कि अगर हम ठीक से काम करेंगे, अनुशासन में काम करेंगे, जो हमारे तरीके हमने बनाए हुए हैं उस हिसाब से काम करेंगे तो एक वर्ष के भीतर स्वराज मिलेगा। वो स्वराज कैसा था? वो पूर्ण स्वराज की बात नहीं थी, वो स्वराज था डोमिनियन स्टेट वाला, होम रूल में जो मांग की गई थी ना वो डोमिनियन स्टेट वाले स्वराज की बात थी। लेकिन पूर्ण स्वराज की बात दूसरे, याद रखेगा इस प्रकार के प्रश्न कभी नहीं पूछे हुए हैं, यह चिंतन के प्रश्न हैं। जब आप सोचेंगे इतिहास पे तब जाकर के इस प्रकार के नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। कभी भी प्रश्न आवे कि पूर्ण स्वराज से संबंधित, पूर्ण स्वराज को लक्षित करके गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था, तो वो असहयोग आंदोलन नहीं था बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था। याद रहेगा भाई, क्लियर है? जल्दी से बताएं, क्लियर है? तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, श्रीनिवास अयंगार, शरत चंद्र बोस, ये पांचों के पांचों इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से जुड़े हुए थे, जिसमें से तीन नाम ऊपर के जो तीन नाम थे, सत्यमूर्ति, नेहरू और बोस, ये सबसे प्रमुख थे, लेकिन एससी बोस और श्रीनिवास अयंगार भी इससे जुड़े हुए थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से। 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे। सातवां प्रश्न है, स्वराजवादियों ने केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडल में प्रवेश कर निम्नलिखित में कौन सा काम किया? ध्यान से पढ़िएगा, सही उत्तर करिएगा। स्वराजवादियों ने, स्वराज पार्टी का गठन आपको पता है 1923 में होता है, इलाहाबाद में होता है, और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, चार पांच नाम आपको पता है। मोतीलाल नेहरू महासचिव थे, मोतीलाल नेहरू महासचिव थे स्वराज पार्टी के, जबकि चितरंजन दास अर्थात सी आर दास, जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु माने जाते हैं, वो प्रथम अध्यक्ष रहे। ठीक है, क्या होगा उत्तर इसका? सभी डी अर्थात, देखते हैं, 1919 के सुधार कानून के खोखलेपन को उजागर करना स्वराज पार्टी का यह एक उद्देश्य था। विट्ठल भाई पटेल को 1925 में केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनाने में यह सफल रहे, यह भी बात सही लिखी हुई है। स्वराजियों ने ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रस्तुत उनकी नीतियों तथा प्रस्तावों के लिए परिषद की सम्मति हासिल करना असंभव बना दिया था। केंद्रीय विधान परिषद की बात हो रही है, यह भी सही लिखा हुआ है, उत्तर होगा डी 1, 2 और 3। क्लियर है? बिल्कुल सही चल रहा है। आगे बात करेंगे आठवें प्रश्न पे, मिलान करना है, ध्यान से पढ़िए और सही बताइए उत्तर। अल हिलाल, द इंडियन स्ट्रगल किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। अल हिलाल किससे संबंधित है? अबुल कलाम आजाद से संबंधित है। हिंद स्वराज किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड किससे संबंधित है? अरविंदो घोष से। यह एक निबंध शीर्षक था, निबंध शीर्षक था, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। क्लियर है? अब देख लीजिएगा जो भी उत्तर होगा इसका। आगे बात करेंगे नौवें प्रश्न पे, कांग्रेस ने अपनी स्थापना के आरंभिक 20 वर्षों में निम्नलिखित में से कौन सी मांग उठाई थी? कांग्रेस 1885 में अपनी स्थापना के आरंभिक 20 वर्षों में अर्थात 1885 से लेकर के 1905 के दौर में कौन सी मांग उठाई थी? ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर करिए।
विधानसभाओं को ज्यादा अधिकार देने तथा इन सभा के सदस्यों को निर्वाचित करके विधानसभाओं को प्रतिनिधि संस्था बनाने की मांग। जिन प्रांतों में विधानसभा नहीं है वहां तत्काल विधानसभा नहीं स्थापित किया जाए। भाई नहीं स्थापित किए जाने की तो कोई बात नहीं होगी, स्थापित करने की बात होगी। भारतीयों को उच्च सरकारी पदों पर भर्ती के लिए सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में भी हो, ठीक है। प्रशासन तथा सेना पर होने वाली भारी खर्च में प्रशासन का खर्च बढ़ाने तथा सेना का खर्चा कम करने की मांग की गई। सही है या गलत है बताएंगे जरा, कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? नौवे का सी, एक और तीन। कांग्रेस विधानसभाओं को ज्यादा अधिकार देने तथा इन विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचित करके विधानसभा को प्रतिनिधि संस्था बनाने की मांग कर रही थी। यह बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है, याद रहेगा। जिन प्रांतों में विधानसभा नहीं है वहां तत्काल विधानसभा नहीं स्थापित की जाए, यह बात बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तीसरी बात देखेंगे, भारतीयों को उच्च सरकारी पदों पर भर्ती होने के लिए सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में भी हो, यह भी मांग करते हैं। प्रशासन पर खर्च बढ़ाने तथा सेना का खर्चा कम करने की मांग, ऐसी बात नहीं करते। उत्तर होगा एक और तीन, सी उत्तर। बात करेंगे दसवें प्रश्न पे, अल्बर्ट बिल कोई बताएगा वर्ष क्या था? अल्बर्ट बिल कब आया था? रिपन के समय आया था, आपको यह तो पता है, लॉर्ड रिपन के समय आया था। वर्ष कोई बताएगा अल्बर्ट बिल कब आया था? के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से पढ़िएगा, अल्बर्ट बिल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस बिल में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में रहने वाले किसी अंग्रेज या यूरोपवासी पर भारतीय न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता था। सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? यह विधेयक भारत में अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया था। सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? क्या समानता स्थापित करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है? इस विधेयक को भारत में रहने वाले अंग्रेजों और यूरोप वासियों की सहमति से पास किया गया था। सहमति से पास हो रहा है क्या? क्या होगा उत्तर भाई, सोचिए और बताइए। पहला सही लिखा हुआ है, दूसरा सही लिखा हुआ है, लेकिन सहमति से पास ही कहां हो रहा है? विवाद में फंस गया और बहुत खिंचाई हुई लॉर्ड रिपन की, बहुत शिकायत हुई लॉर्ड रिपन की, पारित तो हो ही नहीं पा रहा है, पास नहीं हुआ। क्लियर है? अब मुझे बताएं कि प्रश्न, ये सारा कुछ आप जानते हैं, अल्बर्ट बिल भी आप जानते हैं पहले से, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और उम्मीद करता हूं कि ज्ञान निश्चित रूप से बढ़ रहा होगा। आप बताएंगे सही है, आगे बात करते हैं 11वें प्रश्न पे। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? विलियम जोन्स ने कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। बात बिल्कुल सही लग रहा है, कहां पे? कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ने भारत के प्राचीन ग्रंथों तथा उनके अनुवादों को प्रकाशित किया। सही लिखा हुआ है। विलियम जोन्स ने स्वयं कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यह आपको शायद नहीं पता होगा। विलियम जोन्स ने भारतीय इतिहास, भाषाएं, साहित्य, दर्शन, धर्म, कला, विज्ञान तथा कानून के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर होगा? डी सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। 1, 2, 3, 4, बिल्कुल यह चार के चारों बातें सही लिखी हुई हैं। इनमें से आपको शायद यह नहीं पता होगा कि विलियम जोन्स ने स्वयं कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नहीं पता है, बिल्कुल नोट होना चाहिए। क्लियर है? आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है, मिलान करना है भाई, वेद समाज
भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, श्री नारायण धर्म परिपालम योगम, परिपालन योगम मिलान कर रही है, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, केरल के नारायण गुरु, केरल के नारायण गुरु, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस महेंद्र लाल सरकार, याद करिए नहीं पता है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन INSC 1886 किसे संबंधित है, महादेव गोविंद रानाडे से संबंधित है, और यह तिलक जी भी बाद में इससे जुड़ जाते हैं। वेद समाज मद्रास में 1871 की बात है, धरालू नायडू। ब्रह्म सभा का ही एक मद्रास में रूपांतरण था वेद समाज, धरालू नायडू इससे जुड़े हुए थे। वेद समाज कहां पे, मद्रास में। क्लियर है, कौन सा उत्तर होगा, ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, यही उत्तर होगा ए। आगे बात करेंगे 13वें पे, वुड डिस्पैच शिक्षा का मैग्ना कार्टा कब आया था, कोई बताएगा, वुड डिस्पैच कब लाया गया था, सारे के सारे लोग बताएं वुड डिस्पैच कब आया था, सारे के सारे लोग बताएं, वुड डिस्पैच कब आ रहा है भाई, तो वुड डिस्पैच आ रहा है 1854 में, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। बहुत सारे प्रावधान थे इसमें, कौन कौन से हैं, इसके अनुसार पहला देखते हैं, इसके अनुसार 1,00,000 का अनुदान मंजूर हुआ था शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, क्या 1,00,000 का अनुदान मंजूर किया गया होगा वुड डिस्पैच में, आपने मेरे से पहले भी पढ़ा हुआ है वुड डिस्पैच, 1,00,000 का अनुदान भाई नहीं होगा, 1813 के एक्ट में 1,00,000 संबंधी बात की जा रही है, यहां बात नहीं की जा रही है, नहीं है। आगे बात देखेंगे, 1857 के बाद कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, क्या यह बात सही लिखी हुई है, तो भाई 1857 में ही कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। तीसरा, गैर सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों के लिए सरकारी अनुदान की व्यवस्था की जाती है, सरकारी अनुदान की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कितनी की जा रही है यह स्पष्ट नहीं है। एक नई सेवा इंडियन एजुकेशन सर्विस का सृजन हुआ वुड डिस्पैच में, इंडियन एजुकेशन सर्विस एक नई संस्था के गठन का प्रावधान था, तो यह चौथा सही लिखा हुआ है, दूसरा तीसरा सही लिखा हुआ है, पहला गलत लिखा हुआ है, क्या होगा उत्तर इसका, बी 2, 3 और 4, याद रहेगा 2, 3 और 4। ज्योतिबा फुले के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ज्योतिबा फुले आपको पता होगा, कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं, तो गुलामगिरी आपको याद होगा, याद कराते हैं दोबारा से, गुलामगिरी, इशारा, नहीं, और इसके अलावा सत्यशोधक, ये पत्र पत्रिकाएं हैं भाई। संस्था की अगर बात किया जाए तो संस्था में सत्यशोधक समाज, कब, 1873 में सत्यशोधक समाज, नहीं। आगे बात करते हैं, निम्न जाति की कन्याओं के लिए एक स्कूल खोला अपनी पत्नी के सहयोग से, कहां पे भाई, पूना की बात हो रही है, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, यह भी बात सही लिखा हुआ है, सत्यशोधक समाज का उद्देश्य दलित जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करना था, यही भी बात सही लिखी हुई है, सत्यशोधक समाज का द्वार दलित तथा निम्न जातियों के लिए खुला था, भाई खुला तो था ही, सत्यशोधक समाज का द्वार दलित तथा निम्न जातियों के लिए खुला था, मात्र यहां पे कर लेते हैं, मात्र दलित तथा निम्न जातियों के लिए खुला था, यह सही नहीं है, सभी के लिए खुला था, सत्यशोधक समाज
निम्न वर्गीय लोगों के उत्थान और कल्याण के लिए था, उसमें अपना योगदान कोई भी दे सकता था, सभी के लिए सत्यशोधक समाज का द्वार खुला हुआ था। तो भाई 1, 2, 3 सही लिखा हुआ है, और अगर इसमें मात्र जोड़ देते हैं तो चौथा गलत हो जाएगा, और मात्र नहीं जोड़ेंगे तो चौथा सही हो जाएगा। तो मात्र अगर जोड़ दिया तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा, अब मात्र नहीं जोड़ा तो 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। निम्नलिखित में किसने राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका शुरू की थी? राष्ट्र गोफ्तार कौन सी भाषा में था भाई, कोई बताएगा? राष्ट्र गोफ्तार पत्रिका की शुरुआत कौन कर रहा है? दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं, नौरोजी फुरदून जी कर रहे हैं, एस बंगाली कर रहे हैं, नहीं एस बंगाली कर रहे हैं, दादा भाई नौरोजी फुरदून जी, क्या होगा उत्तर? रमाबाई नहीं, सोराब जी बंगाली नहीं, एस बंगाली, कौन सा उत्तर होगा? 1 और 3 बी उत्तर बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, बी उत्तर बिल्कुल इसका सही है। बात करेंगे 16वें पे। निम्नलिखित में से किसके प्रयास से 1872 के कानून ने अंतर जातीय तथा अंतर सम जातीय विवाह को वैध बना दिया? तो 1872 में आया था नेटिव मैरिज एक्ट आया था केशव चंद्र सेन के प्रयास से, नहीं। और 1891 के कानून ने बाल विवाह की प्रथा को समाप्त कर दिया था। 1891 कौन सा था भाई? बहराम जी मालाबारी के प्रयास से। 1930 में भी आया था कानून विवाह के संदर्भ में, बाल विवाह के संदर्भ में। हर विलास शारदा की भूमिका थी, शारदा एक्ट कहा गया, हर विलास शारदा का प्रयास था इसमें, इसको शारदा एक्ट कहा गया था, निश्चित रूप से आपको याद होगा। क्या होगा उत्तर इसमें? तो केशव चंद्र सेन और बहराम जी मालाबारी, केशव चंद्र सेन, 1 और 2 उत्तर सही है, 1 और 2 ए उत्तर बिल्कुल सही है। क्लियर है? इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सा इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन किससे संबंधित है? सैयद अहमद खान। कौन? सैयद अहमद खान से संबंधित है, वही अलीगढ़ वाले, यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन, इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन किससे संबंधित है? सैयद अहमद खान से संबंधित है। केवल उत्तर होगा 2, लिखा है आपकी कॉपी में भाई, कॉपी में आपके लिखा हुआ है। आगे बात करेंगे 18वें पे। केशव चंद्र सेन ने के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? केशव चंद्र सेन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन की बात कर रहा है। उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, क्या यह सही लिखा हुआ है? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कौन कर रहा है? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कोई बताएगा? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब कर रहे हैं? कर रहे हैं, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं कर रहे हैं, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में कोई और कर रहा है। कौन कर रहा है? आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, पंतूल। उन्होंने अंतरजातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, सही बात है। जाति प्रथा तथा पर्दा प्रथा का विरोध किया, ये सारे लोग ही काम कर रहे हैं, जो भी समाज सुधारक है वो सारे लोग ही यह काम कर रहे हैं। साधारण ब्रह्म समाज की नहीं, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहे हैं। कब कर रहे हैं आप बताएंगे? 1, 3 और 4 1, 3 और 4 सी उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे।
राजा राम मोहन राय ने किस पुस्तक या पत्र की रचना की थी? आसान सा प्रश्न है, बताइएगा, मैं नहीं बता रहा हूं, आप ही बताएंगे। राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित पुस्तक या पत्र, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, यही है ना, मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार, यह भी इनकी रचना है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, किस वर्ष कौन सी निकाली जा रही है पत्र पत्रिका, वो भी आपको लिखाया हुआ है, संवाद कौमुदी, यह भी इनसे संबंधित है, प्रज्ञा चांद, यह भी संबंधित है, उत्तर होगा डी, चारों, 1, 2, 3 और 4। उनका देहांत कहां पर हुआ था भाई? तो उनका देहांत कलकत्ता में नहीं, लंदन ब्रिस्टल में हो रहा है। नहीं, कब हो रहा है? 1833 में हो रहा है। लंदन कब भेजा था? 1831 में। नहीं, डी गलत है। क्या उत्तर होगा? 1, 2, 3, सी उत्तर बिल्कुल सही होगा। 21 की बात करेंगे। राजा राम मोहन राय की परंपरागत शिक्षा निम्नलिखित में से कहां हुई थी? बड़े नए प्रकार का प्रश्न है। राम मोहन राय की परंपरागत शिक्षा कहां हुई थी? उन्होंने संस्कृत की परंपरागत शिक्षा वाराणसी से प्राप्त की, उन्होंने संस्कृत की परंपरागत शिक्षा कलकत्ता से प्राप्त की, अरबी तथा फारसी की शिक्षा पटना से प्राप्त की, अरबी तथा फारसी की शिक्षा बंगाल से प्राप्त की। कोई जानकारी हो किसी को तो बताएगा भाई, ध्यान से समझिएगा। परंपरागत शिक्षा की बात हो रही है, तो संस्कृत की शिक्षा राजा राम मोहन राय ने कहां से प्राप्त की हुई थी? वाराणसी से। एक चीज, संस्कृत की शिक्षा कलकत्ता से नहीं वाराणसी से प्राप्त कर रहे हैं। अरबी तथा फारसी की शिक्षा कहां से प्राप्त कर रहे हैं? पटना से प्राप्त कर रहे हैं, बंगाल से नहीं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगहों पे देशाटन कर रहे हैं, याद रहेगा। क्या उत्तर होगा? 1 और 3। ये उत्तर बिल्कुल इसका सही होगा। ऐसे बहुत सारे नए नए प्रश्न मिलते चले जाएंगे भाई। अगली बात, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में बात हो रही है। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में, युद्ध के बाद एक संविधान सभा गठित की जाएगी। क्या क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में संविधान सभा की बात की गई थी? हां या ना? हां, बिल्कुल सही है, हां थी भाई, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि तथा रजवाड़ों के राजा या उसके प्रतिनिधि मनोनीत सदस्यों को मिलकर के यह संविधान सभा का गठन होगा। यह बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, अर्थात संविधान सभा के गठन की बात की जा रही है। कब? युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद? वर्ल्ड वार टू के बाद। विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो गया है, 1945 तक चल रहा है। क्रिप्स क्या कहते हैं कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासत के मनोनीत सदस्य संविधान निर्माण संस्था में भाग लेंगे। दूसरी बात, प्रांतों तथा रजवाड़ों को यह अधिकार होगा। प्रांतों को अर्थात ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों को यह अधिकार होगा कि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार करें या न स्वीकार करें। यह बात लिखी थी उसमें? हाँ बिल्कुल, यह बात प्रस्तावित थी इसमें। डेड लेट चेक, पोस्ट डेटेड चेक कह करके गांधी जी या कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया था, उत्तर तृतीय चेक कह करके। गवर्नर जनरल 1935 के अधिनियम में उल्लिखित सभी शक्तियों का उपभोग करेंगे, यह बात क्या क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में थी? हां थी, गवर्नर जनरल के संदर्भ में यह बात थी। यह तीनों के तीनों बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, नहीं पता हो जिसको याद कर लेना भाई। उत्तर होगा डी, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3, तीनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई है। आगे बात करेंगे, बहुत ज्यादा हैं अभी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय
निम्नलिखित में से कौन सरकार के प्रति वफादार थे? भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के प्रति वफादार वर्ग कौन से थे? उच्च वर्ग, नौकरशाह वर्ग, ग्रामीण वर्ग, मजदूर वर्ग, बताइए। एक और तीन बिल्कुल सही है, उच्च वर्ग और नौकरशाही वर्ग। उच्च वर्ग और नौकरशाही वर्ग, ये दोनों के दोनों सरकार के प्रति वफादार रहे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे 24 पे। भगत सिंह निम्नलिखित में किससे संबंधित थे? बताइएगा, आसान सा प्रश्न है। भगत सिंह किससे संबंधित थे? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब? 1928। कहां पे? दिल्ली। दिल्ली में कहां पे? फिरोज शाह कोटला, नहीं याद होगा। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने से संबंधित थे, HSRA से संबंधित थे। भारत नौजवान सभा से संबंधित थे। भारत नौजवान सभा की स्थापना कब हो रही है? 1926 में हो रही है। तीन प्रमुख लोग हैं इसमें शामिल, भगत सिंह, यशपाल और एक तीसरे का नाम छबील दास। छबील दास, ये तीन लोग मिलकर के भारत नौजवान सभा की स्थापना करते हैं 1926 में। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव, ना भाई बांग्लादेश बंगाल हो जा रहा है ना, सूर्यसेन ना संबंधित है इससे? सूर्यसेन नहीं, क्या होगा उत्तर इसका? 1, 2, 3, चौथा नहीं होगा। 1, 2, 3 उत्तर होगा बी। 1, 2, 3 नहीं, आगे बढ़े। 1, 2, 3 बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अब अगर मैं आपसे एक प्रश्न और यहीं पे और पूछ लूं कि केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना दो लोग कर रहे हैं, नहीं एक है भगत सिंह, तो दूसरे कौन है बताइएगा? दूसरे कौन है? और ये जो बम फेंकना हो रहा है उस समय केंद्रीय असेंबली में किस मुद्दे पर वाद विवाद चल रहा था? किस मुद्दे पर वाद विवाद चल रहा था? बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। 1, 2 और 3 25वां अगला प्रश्न देखेंगे। असहयोग आंदोलन और नागरिक अवज्ञा आंदोलन असफल रहे थे। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल रहे थे, किंतु इसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन किन अर्थों में मजबूत हुआ था? चारों बातें देखेंगे। राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन अब देश के विभिन्न भागों में फैल चुकी थी। राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन देश के कोने कोने तक फैल चुका है। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में किसान, दस्तकार और शहरी गरीब राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। यह भी बात तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। भारतीय समाज के कुछ चुने हुए वर्गों का राजनीतिकरण हुआ, ये क्या लिख दिया भाई, समझिए जरा बात को। भारतीय समाज के कुछ चुने हुए वर्ग, अब समाज के चुने हुए वर्ग का मतलब क्या है? अलग अलग पेशों से संबंधित अलग अलग वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के संदर्भ में, या फिर अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए वर्ग, पेशागत वर्ग। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वर्गों का राजनीतिकरण नहीं हो रहा है, वर्गों का राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। स्त्रियां भी आंदोलन में भाग लेने लगी और मदिरा की दुकानों पे डंडा लेकर के बैठ गईं कि किसी को लेने नहीं देंगे, दुकानें होंगी बंद। कितना अच्छा था माहौल। तो भाई 1, 2, 4 तो सही है, 1, 2, 4 भी उत्तर बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, आगे बात करेंगे 26वें की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं?
कौन सा कथन सत्य है? अधिकारियों द्वारा बहुत अन्यायपूर्ण ढंग से इंडियन सिविल सर्विस से बाहर निकालना। क्या इंडियन सिविल सर्विस में यह पहुंच पाए थे? हाँ, पहुंच पाए थे और निकाले भी जा चुके थे। कांग्रेस से पूर्व राष्ट्रीय संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करना। क्या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, कांग्रेस से पूर्व कर रहे हैं, 1876 में ही कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करना, क्या यह सही लिखा हुआ है? क्या यह सही है? तीसरा वाला, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करना, क्या यह सही है? अर्थात तीन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं ना, दादा भाई नौरोजी इसकी स्थापना कर रहे हैं। कहां पे कर रहे हैं? एक लंदन में कर रहे हैं और एक भारत में बॉम्बे में कर रहे हैं। लंदन में कब कर रहे हैं? 1866 में कर रहे हैं और उसी वर्ष बॉम्बे में भी एक स्थापना देखने को मिल रही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पहला सही था, इंडियन सिविल सर्विस से बाहर किए गए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर रहे हैं आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के। किसके साथ? आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के कर रहे हैं, नहीं। और चौथी बात, इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना कब कर रहे हैं? 1918 में कर रहे हैं, जब मॉन्टेग्यू घोषणा प्रकाशित हो गई इतना, जब 1918 में मॉन्टेग्यू घोषणा का प्रकाशन हो गया तो बहुत सारे लोग उसके फेवर में हो गए, बहुत सारे लोग विरोध में, कांग्रेस विरोध में, जबकि इनको पसंद आ गई मॉन्टेग्यू घोषणा और इन्होंने त्याग पत्र दिया। तो क्या होगा उत्तर इसमें? 1, 2, 4 कहां पे है? बी उत्तर बिल्कुल इसका सही है। आगे बात करेंगे 27 के, दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन से कथन सत्य हैं? नौरोजी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की कब? 1866 में। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय नगरों में भी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखाएं स्थापित की, मूल रूप से बॉम्बे में, आपको बताया सेम ईयर। वह भारत के द्वितीय आर्थिक विचारक थे, वह भारत के द्वितीय आर्थिक विचारक थे। क्या यह बात सही लिखी हुई है? हाँ या ना? दूसरे नहीं भाई, प्रथम आर्थिक विचारक थे ना, प्रथम आर्थिक विचारक के तौर पे उनको जाना जाता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंग्लैंड डिप्ट टू इंडिया, डीईबीटी डिप्ट मतलब भार। वह भारत के द्वितीय नहीं, प्रथम आर्थिक विचारक के तौर पे जाने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी को 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का सम्मान प्राप्त था, 3 बार, ठीक है। क्या होगा उत्तर इसका? 1, 2, 1, 2, 1, 2, ये उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करेंगे 28वें की, राष्ट्रीय साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगाने में निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? राष्ट्रीय साहित्य आपके मतलब का प्रश्न नहीं है, बस याद कर लेना। राष्ट्रीय साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगाने में किनकी किनकी भूमिका थी, आपके मतलब का बहुत प्रश्न नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका रही है, साहित्यकार के तौर पे जाने जाते हैं। विष्णु शास्त्री चिपलंकूर की भी भूमिका रही है, साहित्यकार के तौर पे लिखा हुआ है। लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ की भी उल्लेखनीय नाम देखने को मिलता है राष्ट्रीय साहित्य के अंतर्गत। अल्ताफ हुसैन अली भी एक साहित्यकार के रूप में चर्चित रहे हैं आधुनिक काल में। ये चार के चारों जो नाम है ना, वो सब साहित्यकार के तौर पे, राष्ट्रीय आंदोलन के साहित्यकार के तौर पे जाने जाते हैं। आगे बात करेंगे 29वां की, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव को पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में पारित किया जा रहा है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया। यह जो लाहौर अधिवेशन हो रहा है, कब हो रहा है? 1929, आपको याद होगा, लाहौर
लाहौर अधिवेशन, रावी नदी 1929, जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो रहा है पहली बार, याद रहेगा पहली बार। कांग्रेस पूर्ण स्वराज के संदर्भ में प्रस्ताव कर रही है लाहौर अधिवेशन में 1929 में। इसके पहले 1929 के पहले सिर्फ स्वराज की बात हो रही थी, पूर्ण स्वराज की बात नहीं हो रही थी, और उस स्वराज का मतलब था डोमिनेंट स्टेट का दर्जा। 25 पैसे देकर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन सकता था। इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की घोषणा की गई। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। आप बताएंगे भाई, आप बताएंगे, कॉमन सेंस लगाइए। आप बताएंगे, 25 पैसे देकर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन सकता था, यह लाहौर अधिवेशन की बात नहीं थी, यह नागपुर अधिवेशन में यह बात थी। नागपुर अधिवेशन कब? 1920, वीर राघवाचारी नहीं, जब अध्यक्ष थे, कांग्रेस के संविधान में कुछ संशोधन किया गया था। इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की बात थी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। स्वराज शब्द की सबसे पहली बार बात 1905 में की जा रही है कांग्रेस में, बनारस अधिवेशन में, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। सी उत्तर बिल्कुल इसका सही है। आगे बात करेंगे 30वें प्रश्न की। गांधी जी तथा इरविन के बीच 1931 में क्या समझौता हुआ था? गांधी और इरविन के बीच समझौता हो रहा है 1931 में। अब इसमें क्या क्या बातें थी वो देखते हैं। सरकार सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने को तैयार हो गई। क्या यह सही ही है? सही लिखा है। दूसरा, भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते थे, भारतीय लोग समुद्र के किनारे। विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार मान लिया गया। पुलिस द्वारा की गई जातियों के बारे में जांच की जाएगी। कॉमन सेंस लगाइए। क्या होगा? क्या सरकार सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने को तैयार हो गई थी, हां या ना? सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने को तैयार हो गई थी, हां या ना? क्या भगत सिंह को रिहा करने की बात थी जो इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था? क्या इनको रिहा करने की बात थी? पहला होगा ना। भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते थे, तो दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, समुद्र के किनारे नमक बना सकते थे, भीतरी भागों में नहीं, ध्यान में रखिएगा, भीतरी भागों में नहीं, पूरे देश में नहीं, किनारे किनारे पर रहने वाले लोग, किनारे किनारे पर रहने वाले लोग नमक बना सकते थे, ठीक है। विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार मान लिया गया। हाँ, मान लिया गया था कि आप धरना शांतिपूर्ण रूप से दे सकते हैं। पुलिस द्वारा की गई जातियों के बारे में जांच की जाएगी। पुलिस किसकी है? ब्रिटिश सरकार की है। क्या जांच की जाएगी? कॉमन सेंस कहता है नहीं की जाएगी, नहीं तो बहुत बवाल निकल करके आएगा जांच में, नहीं। क्या होगा उत्तर? निश्चित रूप से गांधी इरविन समझौता के विषय में आपकी जानकारी और बड़ी होगी। एक और तीन क्या लिख दिया यहां पे भाई? एक और तीन जो भी है, एक और तीन, ठीक है, एक और तीन। हाँ सॉरी, ये दो है ना, ये दो है और ये तीन, दो तीन, ये सही, दो तीन, ठीक है।
बी उत्तर बिल्कुल सही है, 2-3। आगे बात करेंगे 31 पे, प्रश्न बहुत हैं अभी। प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में, प्रांतीय प्रशासन, प्रांतों में प्रशासन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? 1833 का एक्ट आपको पता ही है, 1833 का एक्ट, थोड़ी सी उसी से संबंधित बातें, के पूर्व प्रांतीय सरकारों को बहुत अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी। 1833 भारत का गवर्नर जनरल, इसके पहले बंगाल का गवर्नर जनरल, 1833 में भारत का गवर्नर जनरल, कॉमन सेंस लगाइए इसका मतलब क्या होगा, क्यों ऐसा किया गया होगा, कि पूर्व प्रांतीय सरकारों को बहुत अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी। 1833 में प्रांतीय सरकारों से कानून बनाने का अधिकार ले लिया गया तथा उसके व्यय पर केंद्रीय नियंत्रण लागू कर दिया गया, व्यय मतलब जो प्रांतों में खर्चे हो रहे हैं। लॉर्ड मेयो ने प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से पृथक करने की दिशा में पहला कदम 1870 में उठाया था। लॉर्ड मेयो ये वॉयसराय हैं, कब से कब, तो 1869 से लेकर के 1872 तक लॉर्ड मेयो वॉयसराय हैं। चौथा, 1877 में लॉर्ड मेयो की इस योजना को लॉर्ड लिटन ने और विस्तार दिया था। कॉमन सेंस लगाइए, गलत करिए सही करिए, फिर मैं बताता हूं। कॉमन सेंस लगाइए क्या होगा, ध्यान से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, फिर से पढ़िए ध्यान से, गलत ना करिए, आसान सा है, आपको नहीं पता है लेकिन तो भी आप उत्तर कर सकते हैं। 1833 के पहले प्रांतीय सरकारों को बहुत अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी, अब उस पर नकेल कसा जा रहा है, 1833 के एक्ट में उस पर नकेल कसा जा रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल अब कहा जा रहा है, ताकि जो प्रांतों की सरकारें हैं उस पर थोड़ा और नियंत्रण स्थापित कर दिया जाए। 1833 में प्रांतीय सरकारों से कानून बनाने का अधिकार ले लिया गया और उसके व्यय पर केंद्रीय नियंत्रण लागू कर दिया गया। प्रांतीय सरकार अब कानून नहीं बनाएगी, भारत का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कानून बनाएगी, याद रहेगा। लॉर्ड मेयो के बारे में आपको जानकारी नहीं है, क्या किया, केंद्रीय वित्त से, प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से पृथक करने की दिशा में पहला कदम उठाया 1870 में, इसी से मिलता जुलता व्यय पर केंद्रीय नियंत्रण के संदर्भ में ही एक पहला काम कर रहे हैं लॉर्ड मेयो, प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से पृथक कर दे रहे हैं, ठीक है, 1870 में। 1877 में लॉर्ड मेयो की इस योजना को लॉर्ड लिटन ने और विस्तार दिया था। यह चार के चारों बातें सही लिखी हुई है, नहीं पता था आपको, निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, क्लियर है। आगे बात करेंगे 32 की। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? गवर्नर जनरल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 से 12 सदस्य तक बढ़ाने का अधिकार दिया गया था। एक दिन मैं आप लोगों को यह अधिनियम सारे बताऊंगा, कितने सदस्य बढ़ रहे हैं घट रहे हैं वो सब बताऊंगा, फिलहाल यह सही लिखा हुआ है 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में 6 से 12 सदस्य गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बढ़ाने का अधिकार था। इस अधिनियम के द्वारा कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल के समर्थन के बिना कानून का रूप नहीं ले सकता था। इस अधिनियम में परिषद के सदस्यों को कुछ ज्यादा अधिकार दिया गया, जिससे वह वार्षिक बजट पर वाद विवाद कर सकते थे। यह गलत लिखा हुआ है, वार्षिक बजट पर वाद विवाद करने की जो बात है वह 1892 के अधिनियम में देखने को पहली बार मिलती है, क्लियर है। क्या होगा, 1 और 2 होगा, 1 और 2 होगा, ये उत्तर बिल्कुल सही है, क्लियर है। आगे बात करेंगे 33 पे। 1858 के अधिनियम के तहत
कौन से कथन सत्य हैं। 1858 की बात हो रही है। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन का अधिकार लेकर ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। ब्रिटिश सम्राट मतलब क्राउन को सौंप दिया गया। अब सम्राट का मतलब वही रानी हो चाहे राजा हो, सम्राट ही का यार। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको पता होगा 1784 का एक्ट में पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जा रहा है, का अधिकार ब्रिटिश सरकार के मंत्री जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है को दे दिया गया। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट राज्य सचिव को दे दिया जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में एक सदस्य को जोड़कर इसकी संख्या 5 कर दी गई। गवर्नर जनरल काउंसिल के किसी महत्वपूर्ण फैसले की अवहेलना कर सकता था। क्या होगा उत्तर आपके हिसाब से, कौन सा सही है भाई? भाई ये पहला जो लिखा हुआ है सम्राट को सौंप दिया गया, एकदम सही लिखा हुआ है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दिया गया, यह भी सही है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी, सदस्य संख्या कितनी थी भाई आप बताएंगे, सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारत राज्य सचिव के परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 सदस्यीय। गवर्नर जनरल काउंसिल के किसी महत्वपूर्ण फैसले की अवहेलना कर सकता था, यह का बात सही लिखी हुई है 15। ठीक है, क्या होगा उत्तर? 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 डी उत्तर। क्लियर है डी। आगे बात करेंगे 34 की। निम्नलिखित में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? पढ़िए, देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री संबंध स्थापित करना। विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री संबंध स्थापित करना। जात पात का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। जनता की मांगों को सरकार के सामने रखना। देश की जनता को प्रशिक्षित और संगठित करना। ये 4 के चारों बातें ही सही लिखी हुई है, 1, 2 और 3, 4। क्लियर है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय, व्यक्तिगत सत्याग्रह का वर्ष बताइएगा कोई। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी का सबसे कमजोर सत्याग्रह माना जाता है। वर्ष क्या था व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने का, वर्ष क्या था कोई बताएगा? के समय विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही रहे, व्यक्तिगत में प्रथम सत्याग्रही थे। के अतिरिक्त किसे गिरफ्तार किया गया था? तो भाई विनोबा भावे के अतिरिक्त जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है कोई बताएगा? ये हो गए प्रथम सत्याग्रही, दूसरे हो गए नेहरू, तीसरे सरोजनी नायडू, बताइएगा भाई। देखें, इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, नेहरू को गिरफ्तार किया जा रहा है, इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, अरुणा आसफ अली को गिरफ्तार किया जा रहा है, सी राजगोपालाचारी को गिरफ्तार किया जा रहा है, कृपलानी साहब संबंधित नहीं है, जेबी कृपलानी संबंधित नहीं है। ठीक है, जेबी कृपलानी संबंधित नहीं है, याद रहेगा। क्या होगा उत्तर इसमें? 1, 2, 4, 1, 2, 4 डी उत्तर बिल्कुल सही होगा। 36 की बात करेंगे। आजाद हिंद फौज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आजाद हिंद फौज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आजाद हिंद फौज का गठन भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के प्रयासों का परिणाम था। यह दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में बसे हुए भारतीयों तथा युद्ध बंदियों के प्रयासों से बनी थी। ब्रिटिश सेना के पूर्व अधिकारी जनरल मोहन सिंह तथा आनंद मोहन सहाय का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। क्या होगा उत्तर?
क्या होगा उत्तर? डी राइट है, डी सही है। चले अब मैं थोड़ा सा कहानी बताता हूं आजाद हिंद फौज के बारे में, समझिएगा। आजाद हिंद फौज के बारे में थोड़ी सी कहानी बताता हूं, अब समझिए। इसकी कहानी बताता हूं, पृष्ठभूमि समझ लीजिएगा, क्या पता प्रश्न मिल जाए। जनवरी का महीना था, जनवरी 1941 की बात है, जनवरी 1941 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस को यह समझ में आया, तब कांग्रेस से तो मुक्त हो चुके हैं, उनको समझ में आया कि दूसरा विश्व युद्ध जर्मनी, जापान, इटली एक तरफ और एक तरफ अन्य बहुत सारे देश, इंग्लैंड जापान के विरुद्ध लड़ रहा है, इंग्लैंड जापान के विरुद्ध लड़ रहा है, इंग्लैंड का उपनिवेश है भारत, तो जापान हो सकता है भारत पर अटैक करे, और जापान, जर्मनी, इटली एक साथ मित्र के रूप में। जनवरी 41 की बात हो रही है, सुभाष चंद्र बोस कहां पहुंचते हैं? कलकत्ता से रूस, रूस से जर्मनी पहुंचते हैं, अलग अलग भेष, वेशभूषा भिन्न भिन्न करके, वेशभूषा चेंज करते हुए, कभी सिख बन जाते हैं, कभी इस्लाम के समर्थक बन जाते हैं, कभी अलग अलग वेशभूषा में जर्मनी पहुंचते हैं। कब? जर्मनी में इनकी मुलाकात होती है किससे? इनकी मुलाकात होती है हिटलर से। किससे? हिटलर। हिटलर को सबसे बड़ा दोषी माना जाता है दूसरे विश्व युद्ध के लिए। हिटलर से मुलाकात होती है और यहीं पे इनको भारतीयों ने नेताजी कहकर संबोधित किया। नहीं, यहीं पर जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। फ्री इंडिया सेंटर कहां पे? जर्मनी में ही। यहीं पे जय हिंद का नारा देते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस और फ्री इंडिया सेंटर वाले। क्लियर है इतनी बात? क्यों भाई, क्लियर है इतनी बात? आगे बात करते हैं। देखें, जनवरी 1941 से शुरू किया, 1941 का वर्ष महत्वपूर्ण है। दिसंबर की बात है, दिसंबर 1941, कैप्टन मोहन सिंह और सहाय साहब, मोहन सिंह एंड सहाय आदि, सहाय का नाम आपको नहीं पता है, अभी प्रश्न में था, इन लोगों ने क्या किया? मलाया, कहां पे है यह? मलेशिया, मलाया में आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं, याद रहेगा। मार्च 1942 की बात है, कहां पे? टोकियो में। मार्च 1942 की बात है टोकियो में। कौन? रास बिहारी बोस। क्या करते हैं भाई? कोई बताएगा? रास बिहारी बोस क्या करते हैं? नाम सुना होगा, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। इंडिया, नहीं पता है आप लोगों को, इंडिपेंडेंस लीग, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। कौन? रास बिहारी बोस टोकियो में। बात समझते रहिएगा, आजाद हिंद फौज और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग दोनों अलग अलग हैं। मोहन सिंह आजाद हिंद फौज, रास बिहारी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग,
कालांतर में क्या होता है, ये सब एक हो जाता है, ये सब एक हो जाता है। क्लियर है यहां तक? ये सब एक हो जाता है। आगे बात करते हैं। जर्मनी में थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से कहां पहुंचते हैं? जर्मनी से टोक्यो पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? यह बात थी रास बिहारी बोस टोक्यो में थे। आपको याद होगा कि हार्डिंग पर बम 1912 में जो हार्डिंग जो गवर्नर जनरल था, बम फेंकने के बाद रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे, नहीं टोक्यो पहुंचते हैं। यह महीना था जून का महीना था, जून 1943 में यह दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचते हैं। और इसी समय यह सब एक हो चुका है। मोहन सिंह की तुलना में रास बिहारी बोस ज्यादा नेतृत्व प्रदान करने लगे हैं। इसी महीने क्या हुआ? इसी महीने अर्थात जून 1943 में इसी महीने कौन लीडर हो चुका था? मोहन सिंह पीछे छूट चुके हैं। रास बिहारी बोस लीडर हैं। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आईएनए का दोनों एक हो चुके हैं, सुप्रीम कमांडर घोषित कर दिया, सुप्रीम कमांडर बना दिया। किसने? रास बिहारी बोस ने। याद रहेगा ये सारी बातें हो रही हैं कहां पे? टोक्यो में हो रही हैं। अब बात आगे करते हैं। अब आईएनए का मुखिया कौन हो जाता है? कब से जून 1943 से अब मुखिया कौन हो जा रहा है सुप्रीम कमांडर आजाद हिंद फौज का? बोस साहब हो रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद अक्टूबर का महीना आता है, अक्टूबर 1943 का महीना आता है। अब टोक्यो में नहीं है। मलाया का नाम सुना आपने सबसे पहले, फिर टोक्यो का नाम सुना, अब बात पहुंचेगी सिंगापुर। कहां पे? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार का गठन किया। कहां पे? सिंगापुर में। कब? अक्टूबर 1943 में। याद रहेगा? ठीक है, सिंगापुर में यह गठन करते हैं। लेकिन एक पेच है, क्यों भाई ध्यान में आ रहा है सब? एक पेच है यहां पे कि सिंगापुर में यह गठन तो जरूर करते हैं, सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार का गठन जरूर करते हैं, लेकिन इसका जो मुख्यालय है यह मुख्यालय कहां बनाते हैं? इसका मुख्यालय रंगून में बनाते हैं। अब ये चौथा नाम आ गया, चौथा स्थान। पहले मलाया मलेशिया था, फिर टोक्यो हुआ, फिर सिंगापुर, अब रंगून पहुंच गए। क्लियर है? याद रहेगा? क्यों भाई? आमतौर पे यहीं पे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, सिंगापुर है, रंगून है, टोक्यो है, मलाया है, क्या है, वो एक पृष्ठभूमि आपको बताएगी। फिर आपको यह भी जानकारी होगी कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के अंतर्गत कुछ ब्रिगेड बनाई थी, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे ब्रिगेड बनाया था, अंडमान निकोबार के लिए स्वराज स्वहीद नए नामकरण द्वीपों के किए गए थे। 1945 की बात है, आजाद हिंद फौज के तीन अफसर पकड़े जाते हैं, लाल किला में मुकदमा,
और फिर उनके बचाव के संदर्भ में। इसी दौरान 1945 में ताइवान में प्लेन एक्सीडेंट हो जाता है और रिपोर्ट में यही बात कही जा रही है। क्लियर है। अब वापस आते हैं प्रश्न पे। तो आजाद हिंद फौज के बारे में भी आपको समझ में आ गई होगी, क्या उत्तर होगा इसमें? तो आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस के प्रयासों का परिणाम था, यह भी सही है, इनका प्रयास था। भारतीय तथा युद्धबंदियों के प्रयासों से तो आजाद हिंद फौज के जो सदस्य हुए वो सब यही लोग थे, दक्षिण पूर्व एशिया के। पूर्व अधिकारी मोहन सिंह तथा आनंद मोहन सराय का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, यह तीनों की तीनों बातें सही लिखी हुई है। आगे बात करेंगे 37 की। निम्नलिखित में किसके प्रयास से देशी रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना होती है? देशी रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना होती है, माणिक्य लाल वर्मा। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये याद कर ले, प्रजामंडल की स्थापना होती है आपकी परीक्षा के लिए ये सब। अब आईएएस का पेपर देना होगा तो ये नाम याद करने की जरूरत होगी। क्लियर है, ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है आपके लिए, बस प्रजामंडल की स्थापना होती है अधिकारों की रक्षा करने के संदर्भ में। इसमें सारे के सारे नाम ही सही लिखे हुए हैं, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आईएएस के लिए महत्वपूर्ण है। सांप्रदायिकता की लहर में अनेक मुसलमान बह गए, निम्नलिखित में से कौन ऐसे मुसलमान थे जो सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे? अर्थात सांप्रदायिकता की लहर, पहले तो यह समझ लें, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। सांप्रदायिकता की लहर की जो शुरुआत हो रही है ना, वह 1905 बंगाल विभाजन से मानी जाती है। बंगाल विभाजन से आरंभ मानी जाती है। और इसकी चरम परिणति कब होती है? चरम परिणति इसकी देखने को मिलती है देश के विभाजन से, देश विभाजन में, 3 जून की योजना में, 3 जून की योजना देश के विभाजन से संबंधित रही। 1905 के पहले जो भी घटनाएं रही, जो भी व्यक्ति रहे, मेरी बात समझिएगा, 1905 के पहले जो भी व्यक्ति रहे, जो भी घटनाएं हुई, वो सांप्रदायिकता से ओतप्रोत नहीं रहे। भले ही अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो शासन करो की नीति लाई जा रही थी, लेकिन सांप्रदायिकता की लहर वो नहीं। कौन से मुसलमान थे जो सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे? अर्थात भारतीय बनकर के खड़े रहे, मुसलमान बनकर के खड़े नहीं रहे। अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद बरेलवी, फैज अहमद फैज, कैफी आदमी, ये सब के सब सही हैं, सब के सब सही हैं। डी उत्तर बिल्कुल सही है। क्लियर है, आगे बात करेंगे। रानी गाडनिल्ल्यू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रानी गाडनिल्ल्यू, मणिपुर ने रानी गाडनिल्ल्यू जैसी वीरांगना को जन्म दिया, क्या यह बात सही लिखी है? हां या ना, क्या यह बात सही लिखी हुई है? हां या ना, पहले बताएंगे पहला तथ्य सही लिखा हुआ है, हां या ना बताइएगा। क्या इनका जन्म मणिपुर में हुआ था? हां भाई, मणिपुर में हुआ था। कर्म भूमि इनकी क्या रही, कार्य क्षेत्र क्या रहा? कार्य क्षेत्र लेकिन इनका नागालैंड था, याद रखना है। जन्म मणिपुर में, कार्य क्षेत्र नागालैंड में, याद रहेगा, सही है बिल्कुल। रानी गाडनिल्ल्यू ने मात्र 13 वर्ष की आयु में गांधी जी और कांग्रेस के आह्वान पर विदेशी शासकों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया था, क्या यह बात सही लिखी हुई है? हां सही लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि जब इनके जो गुरु थे जदोनांग, आपको याद होगा जदोनांग, जदोनांग की 1931 में मृत्यु हो जाती है। कौन सा दौर था? यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर था, इनकी मृत्यु हो जाती है 1931 में। उसके बाद गाडनिल्ल्यू ने ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में, नागालैंड कार्य क्षेत्र में,
विद्रोह का आगे नेतृत्व किया था। तीसरी बात, रानी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा कलकत्ता की अंधेरी कोठरियों में गुजरा था। क्या यह सही लिखा होगा, नहीं लिखा होगा? रानी को 1947 में स्वतंत्रता के बाद मुक्ति मिली, यह सही लिखा हुआ है? क्यों स्वतंत्रता के बाद 1947 में इनको मुक्ति मिली? क्योंकि 1932 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया, और 1947 में जब देश आजाद हो गया तब इनको जाकर के मुक्त किया गया था। स्वतंत्र भारत में कौन सी ऐसी महिला है, महिला कौन सी महिला है जो सर्वाधिक समय तक जेल में रही राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान? तो उत्तर होगा गैडनेल्यू। याद रहेगा, रानी की उपाधि फिर नेहरू जी ने दी। अच्छा एक बात और, इनको ना इनको इनको 1982 का वर्ष था। याद करेंगे एक और तथ्य, 1982 में गैडनेल्यू को पद्म भूषण सम्मान दिया गया था, पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था 1982 में। आपको नहीं पता होगा, इनको इनको बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा आपको अलग से जानकारी बता दे रहे हैं, पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और भी कुछ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। याद रहेगा, क्या हो जाएगा उत्तर? 1, 2, 4, 1, 2, 4 सी उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे बात करेंगे, निम्नलिखित में कांग्रेस के अधिवेशन को सबसे पहले संबोधित करने वाली महिला कौन थी? उत्तर होगा आसान सा, कौन? बी कादंबिनी गांगुली। नहीं, 1917 में एनी बेसेंट, ये अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा है, कांग्रेस की सभा को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कादंबिनी गांगुली। कब की बात है? 1891 की बात है, या तो 1917 में ना अध्यक्ष बनती हैं। बहुत, ये कौन सा सम्मेलन था कांग्रेस का? अधिवेशन था, छठा अधिवेशन था, छठा सम्मेलन था। कहां पे था यह 1891? तो भाई 1891 मतलब कलकत्ता में था, और इसका अध्यक्ष कौन था आपको याद होगा? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक थी, प्रथम महिला स्नातक थी। नहीं, कहां की? कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। क्यों भाई? प्रश्न है नागरिक अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, गलत होने की संभावना कम से कम रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रश्न है, कौन सी घटना हुई थी नागरिक अवज्ञा आंदोलन अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, कौन सी घटना हुई थी? पहला, महाराष्ट्र कर्नाटक तथा मध्य भारत में जंगल कानून तोड़े गए। ध्यान से देखिएगा, नागरिक अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में प्रश्न है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य भारत में जंगल कानून तोड़े गए। क्या यह सही लिखा हुआ है? क्या वन कानून का उल्लंघन हुआ था इन जगहों पे? वन कानून का उल्लंघन हुआ था? क्यों भाई, आपकी कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है वन कानून का उल्लंघन हुआ था, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पूर्वी भारत में ग्रामीण जनता के चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया जनता ने, पूर्वी भारत अर्थात बिहार कह लें, बिहार में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था, यह भी सही लिखा हुआ है। मणिपुर में, ध्यान देंगे, मणिपुर में रानी गैडनेल्यू ने गांधी जी और कांग्रेस के आह्वान पर विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है मणिपुर में रानी गैडनेल्यू ने गांधी जी और कांग्रेस के आह्वान पर विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। क्या यह सही लिखा हुआ है? जल्दी से बताएंगे, क्या यह सही लिखा हुआ है? जो तीसरी बात लिखी हुई है, क्या यह सही लिखा हुआ है? चौथी बात करते हैं, उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने जमींदार विरोध आंदोलन छेड़ दिया था। अब मुझे एक बात बताएं, क्या मणिपुर में विद्रोह किया हुआ था इन्होंने? मणिपुर में जन्म हो रहा है और इनका जो कार्य क्षेत्र था, विद्रोह जो कर रहे थे, वो कहां पे था? नागालैंड में था भाई। क्लियर है? दूसरी बात, यह जो
उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, अर्थात मोपला विद्रोह की बात हो रही है और आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, मोपला विद्रोह 1921 की बात है और इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। मुझे लगता है कि आपका ये वाला भी उत्तर गलत हो रहा है। 1921 की बात है, बड़ा ही शानदार प्रश्न और आज तक आईएएस में भी नहीं पूछा हुआ प्रश्न है। 1921 की बात है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, प्रिंसेज का मतलब होता है राजा राजकुमार, नहीं चैम्बर का मतलब ग्रुप समझ ले, राजा राजकुमारों का ग्रुप की स्थापना किस लिए किया गया था, पहले तो यह समझ ले 1921 में हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, कभी भी यह प्रश्न नहीं पूछा हुआ, बिल्कुल नए प्रकार का प्रश्न है। याद करेंगे ये जो राजे रजवाड़े थे, राजकुमार थे ना, इनके कुछ आपस में साझे हित निश्चित रूप से रहे होंगे और वो साझा जो हित है देसी रियासतों का, वो निश्चित रूप से कौन पूरा करेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, ब्रिटिश साम्राज्य करेगा। इसमें जो भी उत्तर लिखा हुआ है, ब्रिटिश मार्गदर्शन में अपने साझे हित के विषय पर विचार विमर्श करने के लिए महाराजे मिल बैठ सकें, आपस में बातचीत कर सकें, इस वजह से 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना की गई थी। याद रहेगा चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना कल से चेंज करा लेंगे, ठीक है। सन 1938 में कांग्रेस ने निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल चीनी सेना के साथ काम करने के लिए भेजा था, कब की बात है, 1938 में चीन भेजा जा रहा है, चीन में एक दूत मंडल भेजा जा रहा है और किसके नेतृत्व में, यह जो कमीशन था वो अटल आयोग के नाम से जाना जाता है, अटल आयोग, कहां भेजा जा रहा है, चीन भेजा जा रहा है, कब भेजा रहा है, 1938 में भेजा जा रहा है, अटल आयोग डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में एक कमीशन भेजा गया था, कहां भेजा जा रहा है, चीन भेजा जा रहा है, कब भेजा जा रहा है, 1938 में। आगे बात करेंगे 44 की, फरवरी 1927 में, 1927 की बात हो रही है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित उत्पीड़ित जातीयताओं के सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। महीने दो महीने पहले जब क्लास लिया था तो उस समय आपको बताया था कि भारत से बाहर स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत से बाहर अगर कोई जा रहा है विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने के लिए, तो अधिकांश जगहों पर कौन जा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जाना हो या फिर फ्रांस जाना हो या फिर बेल्जियम जाना हो अर्थात यूरोप जाना हो, तो कौन जा रहा है, अधिकांशतः जवाहरलाल नेहरू जा रहे हैं। तो 1927 में कहां पे, ब्रुसेल्स में आयोजित उत्पीड़ित जातीयताओं के सम्मेलन में कौन जा रहा है कांग्रेस की ओर से, जवाहरलाल नेहरू साहब जा रहे हैं। 45 की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पे, अर्थात यहां पे होम रूल देखने को मिल रहा है, अर्थात यहां पे डोमिनियन स्टेटस वाला दर्जा देखने को मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए ही स्वराज का दावा किसने कांग्रेस के मंच से पेश किया था। बिल्कुल नए प्रकार का प्रश्न मिल रहा है, आपके आंख के सामने से गुजरा नहीं होगा। याद करेंगे कि कांग्रेस के मंच से किसने स्वराज का दावा पेश किया था, किस प्रकार के स्वराज का दावा, तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे स्वशासित राज्य है, कनाडा में जैसे होम रूल है, डोमिनियन की स्थिति है, वैसे ही भारत में भी स्वराज होना चाहिए, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा होना चाहिए। कौन सबसे पहले बात कर रहा है, जो बुजुर्ग राष्ट्रवादी हैं, उदारवादी हैं, वही लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं, अर्थात उदारवादी चरण के नेता इस प्रकार की बात कर रहे हैं। याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी, अर्थात तीन और चार ऐसे यह उदारवादी कांग्रेसी नेता रहे जिन्होंने कांग्रेस के मंच से ठीक वैसे ही जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में स्वशासी
स्वशासी उपनिवेश की स्थिति है, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा इन लोगों को प्राप्त है, वैसे ही भारत को भी इस प्रकार का दर्जा मिले। कौन कह रहा है? गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। 46 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कहां समानांतर सरकार बनी थी? समानांतर सरकार उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य भारत, पंजाब और बंबई। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। ये जो डी उत्तर दिया हुआ है ना, यह बिल्कुल सही है। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश में ही है बलिया, चीजें बदल दी गई थोड़ा सा। बंबई में सतारा नजदीक है महाराष्ट्र, बंगाल में तामलूक, यही तीन है ना भाई, पंजाब में नहीं, मध्य भारत में नहीं, 1 3 4, 1 3 4। तो यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा डी। 47 पे जल्दी जल्दी काम करेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीयों का एक राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने के लिए पूरे देश का दौरा किया था? भारतीयों का एक राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए पूरे देश का दौरा सबसे पहले कौन कर रहा है? आंसर करेंगे देख करके। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या होगा आपके हिसाब से उत्तर? 47 का ए नहीं, 47 का सी याद कर लेना। जब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करनी थी ना, इंडियन एसोसिएशन कब? 1876 की बात थी, तब की बात है ये, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सी उत्तर बिल्कुल इसका सही है। बात करेंगे 48वें की, निम्नलिखित में किसने घोषणा की थी, निम्नलिखित में किसने घोषणा की थी कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे हैं? बताएंगे, एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे हैं। कौन यह बात कह रहा है? क्या विठल भाई पटेल कह रहे हैं? हाँ, वल्लभ भाई पटेल तो बिल्कुल चेल आई थे, नहीं कह रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं? हाँ कह रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं। क्या होगा? एक और दो, एक और दो उत्तर है। सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक रूप से असफल कह रहे हैं, विठल भाई पटेल राजनीतिक रूप से असफल कह रहे हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे 49। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत एक्ट की बात हो रही है, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार कानून के अंतर्गत कांग्रेस मंत्रिमंडल को जो सीमित अधिकार प्राप्त थे 1935 के कानून के तहत, जो 1937 में चुनाव होता है, 1935 का एक्ट आता है जिसके तहत ही, जिसके दिशा निर्देश में 1937 में कुल 11 प्रांत में चुनाव होता है, 11 प्रांत में चुनाव होता है, जिसमें शुरुआती दौर में कुल 6 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनती है। बहुमत कितनी जगह पे मिल रहा है? 5 जगहों पे बहुमत मिल रहा है, लेकिन जोड़ तोड़ करके कुल 6 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बन रही है। 3-4-6 महीने और बिता तो यह संख्या कितनी हो जाती है कांग्रेस की? कुल 9 प्रांत हो जाती है भाई। फिलहाल बात करेंगे यहां पे कि जो सीमित अधिकार प्राप्त थे उनके सहारे उन्होंने जनता की दशा सुधारने के लिए क्या प्रयास किए थे? अर्थात 1937 में विभिन्न प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकारें बनी, कांग्रेस मंत्रिमंडल वाली सरकारें जो बनती है 1937 के चुनाव होने के बाद, कुल एक तथ्य और आपके लिए महत्वपूर्ण है, कुल कितने महीने तक शासन इन लोगों ने किया था? तो भाई दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था तो 28 महीने का यह शासन था कांग्रेसी मंत्रिमंडल का प्रांतों में, 28 महीने का। देखते हैं क्या प्रयास किए थे। तो कांग्रेस मंत्रियों ने अपना वेतन घटाकर 200 रुपए प्रति माह कर दिया था भाई। यह नेता जी लोग कभी भी अपना घटाते नहीं है, अपना बढ़ाने का ही प्रयास करते हैं। क्यों? कभी भी अपना बढ़ाते नहीं है वेतन आदि, हमेशा बढ़ाने का ही, घटाते नहीं है, बढ़ाने का ही प्रयास करते हैं। यह कभी संभव ही नहीं हो सकता है। आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए, यह बात निश्चित रूप से 1937 के चुनाव में कांग्रेसी जो सरकारें बनती है वहां पे देखने को मिलती है। सभी क्षेत्रों में नशाबंदी को लागू किया जाए, सभी क्षेत्रों में नशाबंदी को लागू करने की बात नहीं थी। प्रेस और अतिवादी संगठनों पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं, यह भी बात सही थी। तो कांग्रेसी जो मंत्रिमंडलों का गठन होता है 28 महीने के शासन के लिए, तो उसमें
यह जो दूसरा लिखा हुआ है आधुनिक उद्योग के संदर्भ में और प्रेस और अतिवादी संगठनों पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं, यह सही है। उत्तर होगा सी, 2 और 4। क्लियर है, 2 और 4। आगे बात करेंगे 50वें की, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब की बात है, 1928 की बात है। नेहरू रिपोर्ट में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे, नेहरू कमेटी में कुल कितने सदस्य शामिल थे, कोई बताएगा कितने सदस्य नेहरू कमेटी थी, के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है। इसमें मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था, क्या नेहरू कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट लाई गई उसमें मूल अधिकारों की बात की, हाँ मूल अधिकारों की बात देखने को मिलती है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत के लिए भी औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी, यह भी बात सही है। डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की गई थी, इसी वजह से नेहरू, सुभाष, सत्य मूर्ति जैसे लोग नाराज थे और इसी वजह से उन लोगों ने पूर्ण स्वराज के संदर्भ में एक पार्टी का गठन भी किया था, ताकि जो बुजुर्ग कांग्रेसी हैं उनके ऊपर दबाव पड़े कि युवा बड़ी नाराज चल रहे हैं। भाषाई आधार पर नए प्रांतों के निर्माण की भी बात थी, संपूर्ण वयस्क मताधिकार की भी बात थी। ये चार के चारों बातें सही लिखी हुई हैं, द्वि उत्तर बिल्कुल सही होगा इसका। क्यों भाई, द्वि उत्तर बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही। चले अगले प्रश्न पे बात करेंगे, ध्यान से देख लेना भाई, ध्यान से देख लेना, इन्हीं में से प्रश्न मिलेगा आपको परीक्षा में। चले आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, साइमन कमीशन का विरोध कौन नहीं कर रहा है, तो पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी कहां से संबंधित थी, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में सक्रिय थी। जस्टिस पार्टी कहां पर, तो मद्रास में जस्टिस पार्टी थी। यह दोनों ऐसी पार्टियां थी अर्थात 3 और 4 जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया हुआ था। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध इन दोनों पार्टियों ने नहीं किया हुआ था। 52 की बात करेंगे, भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा, भारत शासन अधिनियम अर्थात 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना था, क्या यह सही लिखा हुआ है, क्या 1935 के अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, बताएंगे क्या 1935 के अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, हाँ या ना। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, प्रांतों को स्वायत्तता देने का मतलब क्या है यहां पे, हाँ बिल्कुल सही है, तो यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, हाँ या ना। तो वापस आते हैं, बहुतों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि प्रांतों को स्वायत्तता कैसे दी जा रही है, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, यही लिखा है ना, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, कब दी जा रही है, 1935 के एक्ट में। आपको याद होना चाहिए 1919 के अधिनियम में क्या था, 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब क्या था, कुछ ऐसे विषय थे जिनको हस्तांतरित किया जा रहा है और कुछ ऐसे विषय थे जिनको 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 आरक्षित रखा जा रहा है। इसका मतलब क्या था, ऐसे कुछ विषय जो आरक्षित है उन पर कौन कानून बना सकता है, तो उन पर कानून गवर्नर बना सकता है। हस्तांतरित का मतलब क्या है, तो विधान मंडल को उस पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया जा रहा है। क्या भाई ऐसा होना ठीक है, वास्तव में देखा जाए अगर लोकतंत्र की बात किया जाए तो यह तरीका बिल्कुल उचित नहीं है। द्वैध शासन नहीं होना चाहिए, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा जो जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य हैं, कंप्लीट कानून बनाने का अधिकार इनके पास होना चाहिए था, नहीं। आगे बात करते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 की बात थी, लेकिन जब 1935 का अधिनियम आया
तो प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया, अर्थात प्रांतों से द्वैध शासन हटा लिया गया, प्रांतों में द्वैध शासन हटाया गया, एक बढ़िया डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और क्या किया गया यहां पे, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा रही है, अर्थात अब चुनाव होगा और चुनाव में जो भी लोग जीतेंगे, जो विधानमंडल में जाएंगे, विधानमंडल के द्वारा ही सभी के सभी सभी जो भी कानून होंगे, सभी कानून किनके द्वारा बनाए जाएंगे, अब विधानमंडल चुने हुए सदस्यों के द्वारा बनाए जाएंगे। तो प्रांतों को स्वायत्तता दी जा रही है 1935 के अधिनियम में। क्लियर है भाई? क्लियर है? और 1935 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में न सिर्फ प्रांतों को स्वायत्तता दी जा रही है, बल्कि एंड क्या हो रहा है, द्वैध शासन प्रांतों से हटा करके केंद्र में लागू किया जा रहा है, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जा रहा है, याद रखना है भाई। 1919 के अधिनियम में क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन, 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन, 1935 में क्या हुआ कि प्रांतों को स्वायत्त दे दी गई, उत्तरदायी सरकार का गठन अब होगा 1937 के चुनाव में देखने को भी मिलता है, और साथ ही केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, अर्थात प्रांतों से द्वैध शासन हटा करके 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। क्लियर है भाई? संघ में वापस आते हैं प्रश्न पे। तो एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, प्रांतों को स्वायत्तता दी जा रही है, इसके बावजूद गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिया गया था। आप भी बताया हुआ था कि गवर्नर जनरल को इसके बावजूद विशेषाधिकार दिया जा रहा है। आगे बात करेंगे, प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों का प्रांतीय प्रशासन के हर विभाग पर नियंत्रण था, उन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। क्या उत्तर होगा, अब आप बताएंगे क्या उत्तर होगा इसका। क्यों भाई, आप समझ चुके हैं 1919 का अधिनियम भी 1935 के अधिनियम, और प्रांतों के जो स्वायत्तता प्राप्त प्रांत रहे उनमें कैसे अब आगे काम होगा, कानून बनाने की प्रक्रिया कैसी होगी। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे 53। कराची अधिवेशन में क्या प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। कराची अधिवेशन कब हो रहा है, 1931 में हो रहा है। कौन था अध्यक्ष, वल्लभ भाई पटेल 1931। देखते हैं क्या है इस अधिवेशन में, कहा गया कि 21 वर्ष का व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। इस अधिवेशन में नहीं कहा जा रहा है, नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस के संविधान में जो मूलभूत संशोधन किया गया था, ठीक वैसे ही जैसे 42वां संशोधन राज्य व्यवस्था में 1976 में जब 42वां संशोधन लाया जाता है ना, तो एक लघु संविधान का ही दर्जा 42वें संविधान संशोधन को दिया गया था, ठीक वैसे ही नागपुर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वीर राघवाचारी के अध्यक्षता में, इसी को क्या कांग्रेस के संदर्भ में लघु संविधान कहा जा सकता है कांग्रेस के नियमावली के लिए। दूसरा देखते हैं, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। यह बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, 1931 वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन मूल अधिकार के लिए ही जाना जाता है। क्यों भाई, धीरे धीरे याद होगा। इस अधिवेशन में आर्थिक नीति का प्रस्ताव किया गया था, क्या यह सही लिखा हुआ है, हाँ सही लिखा हुआ है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, नहीं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 लाहौर में ही पारित किया जा रहा है, जब जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर अध्यक्षता की कमान संभालते हुए पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया था। यह गलत है, क्या होगा उत्तर, 2 और 3 होगा, 2 और 3 बी उत्तर बिल्कुल सही होगा। समझ में आई बात। निम्नलिखित में से किसने अपने लेख के माध्यम से कांग्रेस की नीति को भिक्षावृत्ति मानते हुए तिरस्कृत किया था। आसान सा प्रश्न है, कांग्रेस की नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति,
तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की बात कौन कर रहा है कांग्रेस के संदर्भ में? आसान सा प्रश्न है, क्या होगा उत्तर? ये बता रहे ना, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति किसके लिए प्रयोग किया था शब्दावली? कांग्रेस के लिए। राजनीतिक भिक्षावृत्ति बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा हुआ था। इसके अलावा मेढक की तरह टरटराने वाली संस्था भी बोला था, मेढक की तरह टरटराने वाली संस्था भी बोला हुआ था। जो मेरे से पहले से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए तो यह सारा चीज आसान है। क्या होगा उत्तर? ये उत्तर बिल्कुल सही होगा, राजनीतिक भिक्षावृत्ति। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन से कांग्रेस ने रजवाड़ों के मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाई? कितना अच्छा प्रश्न है, किस अधिवेशन से कांग्रेस ने रजवाड़ों के मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाई? सीधे सीधे याद कर लेना है, 1938 हरिपुरा कांग्रेस। कौन सा? 1938 हरिपुरा अधिवेशन, किसके? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, अध्यक्षता में जो हुआ था हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। यहीं से देसी रियासतों के मामले में कांग्रेस ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, याद रहेगा, ठीक है। भी उत्तर बिल्कुल सही है, याद कर लेना है सीधे सीधे से। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में तुर्की की सहायता के लिए एक मेडिकल मिशन भेजा गया था? मिशन कहां भेजा जा रहा है? तुर्की भेजा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे चीन को चीन भेजा जा रहा है, अटल मिशन भेजा जा रहा है, वैसे तुर्की कौन सा मिशन भेजा जा रहा है? MA अंसारी। कौन सा भाई? अंसारी मिशन भेजा जा रहा है, MA अंसारी, याद रहेगा। अंसारी मिशन कहां पे? तुर्की भेजा जा रहा है। 57 की बात करेंगे, एक एक तथ्य महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस पर कम्युनिस्ट विचारों के प्रचार का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया था? कम्युनिस्ट विचारों का के प्रचार का आरोप लगाकर के गिरफ्तार किया जा रहा है। देखें, मानवेंद्र नाथ राय, राजा महेंद्र प्रताप, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद अमृत डांगे, यह सभी लोग कम्युनिस्ट विचारों वाले हैं, सभी लोग कम्युनिस्ट विचारों वाले हैं। हुआ ये, कम्युनिस्ट ये जो विचार है ना, कम्युनिस्ट ये जो विचार है कहां से फैल रहा है? रसिया से फैल रहा है। रूस और ये जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन किस प्रकार का देश है? पूंजीवादी देश था। तो ये 36 का आंकड़ा रहा, इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा। ब्रिटेन कभी भी नहीं चाहता था कि भारत में कम्युनिस्ट विचारों का प्रचार प्रसार हो, भारत का माहौल बदले, मनोदिशा बदले लोगों की। इसी वजह से बहुत सारे भारतीय जो कि रसिया से संबंध रखते थे, भारत में कम्युनिस्ट विचारों का प्रचार प्रसार करते थे, तो धरपकड़ इनकी गिरफ्तारी भी होती थी भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा। इसी कड़ी में 1924 का वर्ष था, 1924 में एक खड़यंत्र केस चलता है, कानपुर षड्यंत्र केस। और संभवतः 34 लोगों को, ध्यान में नहीं आ रहा है, संभवतः 29 है या 34 है, ध्यान में नहीं आ रहा है, व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है, निरुद्ध किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर आरोप था कि भारत में रूस से प्रभावित होकर के ये लोग भारत में कम्युनिस्ट विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उसी में मुजफ्फर अहमद और श्रीपद अमृत डांगे, ये दोनों के नाम शामिल हैं, इन दोनों के नाम शामिल हैं। मानवेंद्र नाथ राय अधिकांशतः विदेश में ही रहते थे, भारत में कम रहते थे, अंतरराष्ट्रीय प्रकार के यह व्यक्ति माने जाते हैं। इन्होंने ही 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की हुई थी, कहां पे? रसिया में, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप यह भी अफगानिस्तान से कार्य कर रहे थे, जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान में कार्यरत थे, अफगानिस्तान में कार्य कर रहे थे और एक अस्थाई सरकार का गठन वहां पे किया हुआ था। उत्तर क्या होगा इसका? दो और चार, सी उत्तर बिल्कुल सही है, मुजफ्फर अहमद और श्रीपद अमृत डांगे, क्लियर है भाई? 34 बताया, बहुत दिन हो गया ये सब पढ़े हुए, ध्यान से उतर जाता है।
चले, वेरी गुड। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में किस प्रत्युत्तरवादी वर्ग ने सरकार के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव रखा था? तो भाई 1920 के बाद, 1920 के दशक के बाद कुछ ऐसे लोग भी रहे राजनीति में जिन्होंने किन्हीं कारणवश ब्रिटिश सरकार को सहयोग करने की इच्छा प्रकट की थी, और उन इच्छा में मोतीलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि मदन मोहन मालवीय, जो कि प्रत्युत्तरवादी वर्ग के अंतर्गत शामिल है, लाजपत राय, एनसी केलकर, इन लोगों को प्रत्युत्तरवादी वर्ग या व्यक्ति के रूप में जाना जाता है भारतीय राजनीति में। मोतीलाल नेहरू इस वर्ग में शामिल नहीं है। तो मदन मोहन मालवीय, दो तीन चार भी उत्तर इसमें सही होगा। मदन मोहन मालवीय, लाजपत राय, एनसी केलकर, ये लोग सीधे सीधे राजनीति में, समझे, ये लोग बुद्धिजीवी प्रकार के हो जाते हैं, वर्ग रहे, और सीधे सीधे राजनीति में अपनी दखल नहीं करते थे जैसे कांग्रेस के अन्य लीडर्स थे। ये लोग पीछे से बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ ऐसी ऐसी बातें कहा करते थे, बोला करते थे। लाला लाजपत राय भी इसमें शामिल हो गए थे, बाद में प्रत्यक्ष राजनीति से दूर हो गए थे। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके उन पर सरकार के प्रति असंतोष भड़काने का आरोप लगाया गया। मार्च 1922 असहयोग आंदोलन को यह वापस लेते हैं। असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा केस हो जाता है गोरखपुर, तो असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं, और इसके बाद क्या होता है, असहयोग आंदोलन जब वापस लेते हैं तो उस समय बारदोली में थे, याद होगा आपको, बारदोली में रहते हुए असहयोग आंदोलन वापस लिया था। घोषणा कब किया था? 5 फरवरी को घोषणा किया था। घोषणा कब किया था गांधी ने बारदोली में कि असहयोग आंदोलन अब वापस लेंगे? घोषणा कब कर रहे हैं? 5 तारीख को, 12 फरवरी को यह वापस ले लिया जाता है, और एक महीने के बाद ही लगभग मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये वही समय काल है, आपको याद होगा कि लगभग 2 वर्ष के बाद स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे करके गांधी को रिलीज कर दिया गया था। 1922 में गिरफ्तार किया जाता है, 1924 को छोड़ दिया जाता है स्वास्थ्य कारणों से, और उसी वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी। तो 6 वर्ष की सजा हुई, और यही सजा से पूर्व किस राष्ट्रीय नेता को दी गई थी? तो 124A आपको कई बार बताया हुआ है, 124A धारा के तहत 6 वर्ष की सजा हो रही है, और 2 व्यक्ति हैं, एक है कौन, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे हैं महात्मा गांधी। क्यों भाई, एक है बाल गंगाधर तिलक और दूसरे हैं महात्मा गांधी। आगे बात करेंगे 60वें पे, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त करने के निर्णय के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया था? असहयोग आंदोलन समाप्त घोषित कर रहे हैं तो बहुत सारे कांग्रेसी लीडर बड़े नाराज होते हैं, बहुत ही नाराज होते हैं, और उसमें कुछ युवा लोग भी होते हैं, जैसे ये लोग गांधी जी के सीधे सीधे फॉलोअर थे, अंधभक्त गांधी जी के ये लोग सीधे सीधे अंधभक्त थे। ये लोग शांत ही रहते थे, ठीक है बाबा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वही काम हम लोग को करना है, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत, चाहे सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत होम रूल आंदोलन से किया था। होम रूल आंदोलन से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं ये दोनों के दोनों, और गर्म खून है इनके, मतलब का नहीं हो रहा है, तुरंत भड़क जा रहे हैं, जो नहीं कर रहा है उसके ऊपर भड़क जा रहे हैं। गांधी जी ने अचानक से जब यह ले लिया तो यह युवा खून दोबारा से उबल पड़ता है, यह गलत है बाबा, यह गलत है, गांधी जी आपने ठीक नहीं किया है। कौन यह बात करने वाले हैं? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, 1 और 3 बिल्कुल सही है, जो कि अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, याद रहेगा। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है? मुसलमानों ने दुनिया के सामने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए, कौन, मुसलमानों ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को आमंत्रित किया था कि वे दिल्ली की जामा मस्जिद के
मेंबर से, ये क्या है मुझे नहीं पता, से अपना उपदेश दें। बात सही लिखा हुआ है, मुझे लगता है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कब की बात है ये? 1919 की बात है ना। रॉलट एक्ट का विरोध हो रहा है, रॉलट एक्ट का विरोध हो रहा है, नहीं, अमृतसर में सिखों ने अपने पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर की चाबी मुसलमान नेता सैफुद्दीन किचलू को दे दी थी। क्या यह सही लिखा हुआ है? हाँ, यह भी सही लिखा हुआ है। उत्तर है एक और दो, सी बिल्कुल सही। नहीं, निम्नलिखित में से किस जगह असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई थी? प्रश्न आई गया, तो असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कहां की जा रही है? बारदोली में की जा रही है। कहां पे भाई? बारदोली में की जा रही है। दोनों सही हैं जी, बारदोली में की जा रही है। अगले प्रश्न पे बात करेंगे, 63वां देखेंगे। असहयोग का आह्वान किस रूप में चलाया जा रहा था? असहयोग का आह्वान जो किया गया था, तो अलग अलग जगहों पे किस रूप में हो रहा था? असम की बात करते हैं, असम में चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल की थी। क्या यह सही लिखा हुआ है? असहयोग आंदोलन पूरे देश में फैला हुआ है, उस देश में फैले हुए आंदोलन के दौरान असम में क्या हो रहा था? तो चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल की थी, हम काम नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे। पंजाब में क्या होता है? सिख अकाली आंदोलन नामक एक अहिंसात्मक आंदोलन चला, अकाली आंदोलन चलता है। गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा खत्म करने के लिए, यह भी बात सही लिखा हुआ है। बंगाल में देखते हैं, मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया था। बंगाल की बात भी सही लिखी हुई है। चिराला की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की जनता ने भू राजस्व देने से इनकार कर दिया था। यह चारों के चारों बातें सही लिखी हुई है। उत्तर होगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, अर्थात ये उत्तर बिल्कुल इसमें सही है। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह बात थी। 64 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के समय राष्ट्रीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आचार्य रहे? बताएं भाई, असहयोग आंदोलन के समय राष्ट्रीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आचार्य रहे अरविंदो घोष भी, जाकिर हुसैन भी, लाला लाजपत राय भी, नरेंद्र देव सीतापुर। ठीक है, चारों के चारों हैं, लेकिन आपके मतलब का नहीं है। कौन सी यूनिवर्सिटी खुली हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान, वहां तक ठीक है, ये प्राचार्य आचार्य आपके मतलब का नहीं है। असहयोग आंदोलन के समय किन राष्ट्रीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी? असहयोग आंदोलन कब से कब? 1920 से 22, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए। असहयोग आंदोलन के समय किन राष्ट्रीय कॉलेजों विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना, लिखते चले जाएंगे, 1921 में होता है। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना 1920 में होता है। इन दोनों की स्थापना कौन कर रहा है? गांधी जी कर रहे हैं, गांधी जी द्वारा स्थापित है। यह दोनों के दोनों याद करना है भाई। जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 की बात है। काशी विद्यापीठ 1920 की बात है। बंगाल विद्यापीठ नाम से कोई भी विद्यापीठ नहीं खुलता है। ठीक है, क्लियर है भाई? क्या उत्तर होगा? 2, 3, 5, 4, 2, 3, 4, 5 भी उत्तर होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 के दौरान कौन कौन से कॉलेजों की और विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है? ठीक है, आगे बात करते हैं। 66, नागपुर अधिवेशन कब? 1920 में कांग्रेस के संविधान में क्या परिवर्तन किए गए? इस अधिवेशन से कांग्रेस के नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को पुनर्गठित किया गया। ठीक है, 15 सदस्यों की एक वर्किंग कमेटी का गठन किया गया। सही है, यही वर्किंग कमेटी जो अभी बन रही है ना नागपुर अधिवेशन 1920 में, इसी 15 सदस्यीय वर्किंग कमेटी का गठन नहीं कर पाए थे। कौन गठन नहीं कर पाए थे? कब की बात है? 1939, त्रिपुरी संकट वाली बात है। कौन नहीं कर पाया था? सुभाष चंद्र बोस। इसी वर्किंग कमेटी का गठन नहीं कर पाए थे, जिसको कह रहे थे आप वर्किंग कमेटी में शामिल होंगे, कह रहे थे नहीं। क्यों? क्योंकि आप गांधी जी को नाराज करके अध्यक्ष बने हुए हैं।
पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके गांधी जी का वरद हस्त उनको हासिल था, लेकिन आपने उनको हरा करके गांधी जी नाराज होंगे, हम आपकी वर्किंग कमेटी में शामिल नहीं होंगे। और वर्किंग कमेटी का गठन नहीं कर पाने की वजह से सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से क्या देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा था, याद रहेगा क्यों भाई। तो ये जो वर्किंग कमेटी है ना, ये जो वर्किंग कमेटी है 15 सदस्यीय वर्किंग कमेटी का गठन कब हो रहा है, 1920 नागपुर अधिवेशन में हो रहा है। 25 पैसा अर्थात चार आना देकर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन सकता था। ये चार के चारों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई है। उत्तर होगा डी 1, 2, 3 और 4। क्लियर है, क्यों भाई। चले आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के प्रस्तावों से दुखी होकर कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था, कांग्रेस से त्याग पत्र, गांधी जी के प्रस्तावों से दुखी होकर कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था, इसका मतलब क्या है भाई। 1920 में जब असहयोग आंदोलन आरंभ करना था तो इस आंदोलन के दो पक्ष थे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। ब्रिटिश कल्चर वाली वस्तुओं का बहिष्कार, ब्रिटिश न्यायपालिका का बहिष्कार, ब्रिटिश जो भी संस्थाएं हैं उनका बहिष्कार, जो ब्रिटिश तमगे मिले हुए हैं, उपाधियां मिली हैं, उनका बहिष्कार नहीं, ये नकारात्मक पक्ष रहा था। और इसी नकारात्मक पक्ष से कुछ लोग असहमत थे कि भाई असहयोग आंदोलन में इस प्रकार की बातें न शामिल करिए। कौन कौन से लोग थे जो कि असहमत थे गांधी जी के इस नकारात्मक विधान वाले मुद्दों से, वही लोग कांग्रेस से त्याग पत्र देते हैं। कौन कौन से लोग हैं, बिपिन चंद्र पाल ने, एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, खरपड़े ने, ये सारे के सारे लोग हैं जो कि कांग्रेस से त्याग पत्र दे देते हैं, याद रहेगा क्यों भाई, याद रहेगा। ये सब के सब हैं जो कि 1920 में कांग्रेस से त्याग पत्र दे देते हैं, याद रहेगा सभी लोग। आगे बात करेंगे 68। निम्नलिखित में से कौन 1919 एक्ट के अंतर्गत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थे। 1919 अधिनियम के अंतर्गत बात होती है कि अब चुनाव होंगे तभी तो इसी एक्ट के अधीन स्वराज पार्टी का गठन होता है। और स्वराज पार्टी कहां पे, केंद्रीय विधान मंडल के लिए और अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में, नगर पालिका आदि के संदर्भ में चुनाव लड़ती है स्वराज पार्टी, नहीं 1923 की बात थी। 1919 के अंतर्गत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक कौन लोग थे, सी आर दास थे, विठ्ठल भाई पटेल थे, मोतीलाल नेहरू थे, क्या मदन मोहन मालवीय भी शामिल थे, क्या चुनाव लड़े या नहीं लड़े, चुनाव भले ही न लड़ रहे हो लेकिन चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले वर्ग में यह भी शामिल थे कि चुनाव लड़ना अच्छा कदम रहेगा। तो उत्तर होगा 1, 2, 3, 4, मदन मोहन मालवीय भी शामिल है इस वर्ग में, याद रहेगा। आगे बात करेंगे 69। निम्नलिखित किस राष्ट्रवादी नेता ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने तथा मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का सुनहरा अवसर माना था। राष्ट्रवादी नेता खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का सुनहरा अवसर माना था, कॉमन सेंस लगाइए उत्तर मिल जाएगा। महात्मा गांधी, ये तो पता है ना, और 1920 में मृत्यु भी होती है, बर्थडे वाले दिन कौन, तिलक जी, ये भी ऐसा ही विचार रखते थे
हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर खिलाफत आंदोलन में इन लोगों ने देखा था। उत्तर है क्या? तिलक जी और गांधी जी। तिलक जी और गांधी जी उत्तर होगा 1 और 4। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बात करेंगे 70। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी के सदस्य थे? खिलाफत कमेटी के सदस्य थे। आपकी कॉपी में खिलाफत कमेटी कब गठन हो रहा है, कब सम्मेलन हो रहा है, गांधी जी कब पहुंचते हैं, कहां पे भाषण देते हैं, ये सब लिखा हुआ है। थोड़ा सा उसे आगे बढ़ जाते हैं। खिलाफत कमेटी के कौन अध्यक्ष थे? मौलाना आजाद, हसरत मोहानी, चुपके चुपके रात दिन वाले, हकीम अजमल खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधु, अली भाई। कौन थे भाई? ध्यान देंगे, जिन्होंने लिखा था ये सी ना, बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। मौलाना आजाद खिलाफत कमेटी के सदस्य थे, हकीम अजमल खान सदस्य थे, हसरत मोहानी सदस्य थे, मोहम्मद अली जिंदा अभी नई नई चिड़िया के रूप में राजनीतिक पटल पर अवतरित हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना अभी कोई खास पहचान इनकी नहीं है। खास पहचान बनाने का प्रयास करते हैं महात्मा गांधी की आलोचना करके कि खिलाफत आंदोलन मुसलमानों का यह एक अपना नैतिक राजनीतिक मसला है, महात्मा गांधी इसमें अपनी टांग न लड़ाए। इसके पहले इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना भी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत होम रूल आंदोलन से ही कर रहे हैं, लेकिन वो अभी उनको उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली थी। गांधी जी पर कटाक्ष करते हैं, उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ते आते हैं। अली बंधु भी है यहाँ पे। क्या उत्तर होगा? सी उत्तर बिल्कुल सही होगा, मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल नहीं है। आगे बात करेंगे, पंजाब के अमृतसर में अमृतसर सिख गुरु के संदर्भ में बात कर लेते हैं। अमृतसर का निर्माण कौन कर रहा है भाई? अमृतसर का निर्माण कौन कर रहा है भाई? 500 बीघा जो जमीन अकबर ने दिया हुआ था, एक प्रश्न का उत्तर बता दीजिए यहां पे। अमृतसर का निर्माण कौन कर रहा है, शहर कौन बसा रहा है? चले, अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन एक निहत्थी भीड़ अपने किस लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुई थी। जलियांवाला बाग में कौन? सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार हो गए थे, डॉक्टर सत्यपाल गिरफ्तार हो गए थे, स्वामी श्रद्धानंद नहीं, अरुयर नहीं। कौन होगा? 2 और 3 उत्तर होगा सी, 2 और 3 नहीं, 2 और 3 वेरी गुड, पता है। 72 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी ने भारत में प्रथम बार आमरण अनशन किया था? गांधी ने पहली बार आमरण अनशन कब किया था? गांधी जी ने अहमदाबाद मजदूरों का जो हड़ताल हुआ था, सबसे पहले आमरण अनशन यही किया था। चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे सत्याग्रह करने की सिर्फ धमकी दी थी, सत्याग्रह की धमकी दी थी, करने की नौबत नहीं आई थी। प्रथम सत्याग्रह यहां पे देखने को मिला है खेड़ा में, नहीं अनशन सबसे पहले यहां करते हैं ये। चले आगे बात करेंगे 73 की, खेड़ा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? खेड़ा आंदोलन कब से संबंधित है, वर्ष बताइएगा। फसल नष्ट होने के बावजूद खेड़ा के किसानों का लगान माफ न होने के कारण यह आंदोलन शुरू हुआ था। पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है, यही हुआ था। फसल नष्ट हो गई, किसानों का लगान माफ कर देना चाहिए, लेकिन लगान माफ नहीं किया जा रहा है। लगान देंगे कहां से जब फसल ही बर्बाद हो जा रही है। इस वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ था। वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा से ही अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, सही है ना भाई? वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह से ही अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। गांधी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा के किसानों ने कर नहीं देने का अभियान चलाया, बिल्कुल सही बात है। सरकारी दमन के कारण आंदोलन पूर्णतः असफल हो गया,
क्या होगा उत्तर? एक दो तीन सही है, चार सही नहीं है। असफल कहां हो रहा है? सफल हो रहा है। गवर्नमेंट पीछे बैकफुट पे आ जाती है, गवर्नमेंट कहती है वहां के जो भी ऑफिसर रहते हैं उनको कहती है जो सक्षम है जो देना चाहते हैं उनसे ले लो और चुप हो जाओ, जो नहीं देना चाहते हैं उनके ऊपर कोड़े न बरसाओ। तो सफल रहता है ये, क्या उत्तर होगा? एक दो तीन भी उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे 74 की, चंपारण सत्याग्रह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? अहमदाबाद की बात कर लिया, खेड़ा की बात कर लिया, अब चंपारण सत्याग्रह की बात। इस आंदोलन का मुख्य कारण यूरोपीय नीलहे, नीलहे का मतलब नील बागान मालिक जो हैं, द्वारा चंपारण के किसानों पर अत्याचार था। सही बात है, चंपारण के किसानों ने अपनी मदद के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया। आमंत्रित करने वाले कौन है मुख्य रूप से? कौन है भाई? राजकुमार शुक्ल है ना, राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया हुआ था। गांधी जी सरकार से एक समिति नियुक्त करवाने में सफल रहे तथा स्वयं उस जांच समिति के सदस्य भी रहे। यह भी बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। सरकार ने समिति के सुझाव को स्वीकार किया, सरकार ने समिति के सुझाव को स्वीकार किया तथा किसान जिस समस्या से पीड़ित थे उसमें कमी आई। क्या उत्तर होगा? चारों के चारों बिल्कुल सही है, डी उत्तर पक्के से होगा, एक दो तीन और चार। 75 की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से नेता चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ गए थे? बिल्कुल नए प्रकार का प्रश्न है, आप ऐसे अधिकांश लोगों को याद नहीं होगा, चंपारण सत्याग्रह के साथ गांधी के साथ कौन कौन गए थे? क्या कृपलानी जी गए थे, सत्यानंद स्वामी गए थे, महादेव देसाई गए थे, इंदुलाल याग्निक गए थे? याद कर लेना, कृपलानी जी गए थे, महादेव देसाई गए थे। कौन गया था? कृपलानी जी गए थे और महादेव देसाई गए हुए थे, अर्थात क्या होगा? एक और दो सी उत्तर बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, आगे बात करेंगे 76। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित है? होम रूल आंदोलन 1916 कौन संबंधित है? आप बताएंगे, आपको पता होना चाहिए, आप बताएंगे। क्यों भाई, क्या उत्तर होगा? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर, अलकाट, कौन कौन से होंगे? ये अलकाट साहब हैं कौन भाई? अलकाट साहब हैं कौन? याद करिए जरा अलकाट का नाम, तो अलकाट हैं कौन? अलकाट हैं कौन, कोई बताएगा? एक तीन चार, एक तीन चार सी उत्तर होगा इसका। अलकाट हैं कौन? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने थियोसोफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क 1877 की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को करीब लाने में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? यह भी आपको पता होना चाहिए, आसान सा प्रश्न। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को करीब लाने में भूमिका पूछा जा रहा है, डॉक्टर अंसारी, लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, कौन सा उत्तर होगा? कौन सा उत्तर होगा भाई? क्या एम ए अंसारी साहब थे? उत्तर है नहीं, एम ए अंसारी नहीं। लोकमान्य तिलक की प्रमुख भूमिका थी, हाँ थी। एनी बेसेंट की भूमिका थी, हाँ थी। मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका थी, साफ साफ कॉपी में समझा समझा करके लिखाया हुआ था। कैसे थी समझ ले फिर से। 1916 लखनऊ अधिवेशन, नहीं, लखनऊ अधिवेशन दो मसलों के लिए जाना जाता है, उदारवादी एंड उग्रपंथी जो लीडर कांग्रेसी थे एक हो जाते हैं। जो 1907 में सूरत में विभाजन हुआ था वह पुनः एकीकरण में तब्दील हो जाता है। इसमें किसकी भूमिका थी? तिलक की भूमिका थी। इसमें किसकी भूमिका थी? एनी बेसेंट की भूमिका थी। दूसरी बात, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है, इसमें किसकी भूमिका थी? तिलक की भूमिका थी। इसमें किसकी भूमिका थी? तो जिन्ना साहब की भूमिका थी। याद आ रहा है भाई? अब याद आ रहा है। अगर एक तथ्य कोई पूछा गया कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन किस लिए
फेमस हुआ या अपनी पहचान रखता है, क्या उत्तर होगा? ये उत्तर होगा। कोई एक अगर उत्तर लगाना है तो क्या होगा? ये कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता। क्लियर है? आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो इसमें क्या हो गया उत्तर? मोहम्मद अली जिन्ना, लोकमान तिलक और एनी बेसेंट। 78 की बात करेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 किसने की थी? कौन कौन से लोग मुस्लिम लीग की स्थापना से जुड़े हुए थे? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो कर रहे हैं, मुख्य व्यक्ति ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, ये भी है, और भी लोग रहे होंगे। कौन कौन से लोग हैं? आगा खां भी हैं। और कौन से लोग हैं? मोहसिन उल मुल्क भी हैं, फजलुल हक शामिल नहीं है। 1, 2, 4, 1, 2, 4 उत्तर होगा सी, 1, 2, 4। याद कर लेना भाई, बड़े महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, याद कर लेना, महत्वपूर्ण तथ्य है। अगली बात करेंगे 79 की। राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया था कि कांग्रेस केवल राष्ट्रीय प्रश्न उठाएगी, सामाजिक तथा धार्मिक मामलों में दखल नहीं देगी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह बात कही जा रही है? याद कर लेना है कि कांग्रेस सिर्फ राष्ट्रीय प्रश्न उठाएगी, सामाजिक धार्मिक मामलों में दखल नहीं देगी। दूसरा जो सम्मेलन होता है 1886 में, उसी दूसरे सम्मेलन में कांग्रेसियों ने यह बात कही हुई थी। क्लियर है? क्यों भाई, 80 पे आएंगे। निम्नलिखित को क्रम अनुसार सजाएं, आप बताइएगा। क्रम अनुसार इंडियन एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडिया एसोसिएशन कहने का मतलब है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कब? 1866। इंडियन एसोसिएशन कब? 1876। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोजशाह मेहता, केटी तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। क्या पता आप लोगों को यह भी याद ना हो, भूल गया हो। मद्रास महाजन सभा 1884। पूना सार्वजनिक सभा, एचएस साठे, चिपलंकूर और रानाडे, कौन? 1870। पूना सार्वजनिक सभा, क्या होगा उत्तर? क्यों भाई, बी का मतलब 1, 3, 2, 5, 4। 1, 3, 2, 5, 4। 5, 4 बी उत्तर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 81 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस नेता ने मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड प्रस्ताव के पक्ष में कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की थी? अर्थात इंडियन लिबरल एसोसिएशन अखिल भारतीय, पूरा ये होगा अखिल भारतीय उदारवादी संघ, उदारवादी संघ की स्थापना कब हो रही है? 1918 में हो रही है। कौन कर रहा है? एस एन बनर्जी साहब कर रहे हैं, नहीं, एस एन बनर्जी, बिल्कुल सही। आगे बात करेंगे 82 की। निम्नलिखित में मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार कानून के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड प्रांतीय विधायी परिषद, विधान परिषद होगा, विधान परिषद, विधान परिषद का आकार बढ़ा दिया गया तथा यह निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनाव जीतकर आए। यह बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रांतीय विधान मंडल का आकार बढ़ाया जा रहा है और अधिकांश सदस्य चुन करके आएंगे। 1919 में यह बात की जा रही है, तब भी तो चुनाव हो रहे हैं बाद में। 1919 मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड में और अधिकांश सदस्य चुनाव जीत कर आए, लेकिन कुछ के मनोनयन भी हो रहे हैं, अभी याद रखना है। दोहरी शासन प्रणाली के द्वैत शासन के आधार पर प्रांतीय सरकार को अधिक अधिकार दिए गए। वित्त कानून तथा व्यवस्था के प्रांतीय विधायी परिषद, विधायी, विधायी परिषद तथा केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया। वित्त कानून तथा व्यवस्था को प्रांतीय विधायी परिषद तथा केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया, अर्थात बांट दिया गया। क्या होगा उत्तर?
क्या होगा उत्तर? ये पहला सही है। प्रांतीय सरकार को अधिक अधिकार दिया जा रहा है, पहली बार 1919 के अधिनियम में ऐसा हो रहा है। कुछ तो अधिकार दिया गया पहले की तुलना में। सही लिखा हुआ है, वित्त कानून तथा व्यवस्था को प्रांत और केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया, नहीं इसको ना केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है। क्यों? क्योंकि अभी द्वैध प्रकार का शासन है और जिसमें कुछ चीजें अभी आरक्षित रखी गई हैं, कुछ चीजें अभी आरक्षित रखी गई हैं। यह तीसरा नहीं होगा, उत्तर होगा सी, एक और दो। क्लियर है? सी बिल्कुल सही भाई, कितने अच्छे हैं आप लोग। 83, कौन सा कथन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संबंध में असत्य है? असत्य है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अंतर्गत 1919 के संदर्भ में असत्य है। गवर्नर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर मंत्रियों की आज्ञा को रद्द कर सकता था। कॉमन सेंस लगाना है, ऐसा रहा होगा। हाँ जरूर रहा होगा। केंद्र सरकार को अब प्रांतीय सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं था, क्या ऐसा रहा होगा? शायद नहीं रहा होगा। गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव पर अब विधान मंडल का नियंत्रण था, साथ तो संभव ही नहीं है। द्वैध शासन प्रणाली के आधार पर अब प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए, क्या होगा उत्तर भाई? क्या उत्तर होगा? आसान सा प्रश्न है, कॉमन सेंस लगाए उत्तर मिल जाएगा। असत्य पूछा जा रहा है तो भाई मंत्रियों की आज्ञा को रद्द कर सकता था, यह सत्य है। असत्य पूछ रहा है, केंद्र सरकार को अब प्रांतीय सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं था, नहीं यह असत्य है, यह असत्य है। नियंत्रण था, यह क्रॉस है, अर्थात यह असत्य है और यह सत्य है, नहीं। क्या उत्तर होगा? दो और तीन, दो और तीन, बी उत्तर बिल्कुल सही होगा, नहीं दो और तीन। 84 की बात करेंगे, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने किस उद्देश्य से केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? विधानसभा में बम फेंका था, सभा में बम फेंका था, ध्यान से देखिए और उत्तर सही बताइए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय धारा विधानसभा में बहस हो रहे बिल को पास नहीं होना देना चाहते थे, यह उद्देश्य नहीं था। वे उनको बहस और बिल से क्या मतलब है? वे अदालत को क्रांतिकारी प्रचार के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करना चाहते थे, कुछ हद तक सही है। पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही, पूर्ण स्वतंत्रता की बात हो रही है, प्रत्यक्ष कार्यवाही तथा क्रांति की आवश्यकता का प्रदर्शन करना। साइमन कमीशन विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार द्वारा अपनाई गई दंडनात्मक का बदला लेने के लिए, नहीं। ये जो उत्तर है ना, बी बिल्कुल सही है। एक ऐसे मंच का प्रयोग किया जाए जहां पे कोई घटना हो तो पूरे भारत में आग की तरह फैल जाए, ब्रिटेन तक आग की तरह फैल जाए, बी उत्तर बिल्कुल इसका सही है। चले आगे बात करेंगे, मंच के रूप में विधानमंडल को यूज करना था। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी? सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कब हो रही है? दिसंबर 1928 में हो रही है। सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कौन कर रहा है? भगत सिंह कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, कौन सा उत्तर होगा? सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कौन कर रहा है? सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कौन लोग कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, एक दो और चार, ये लोग सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चले आगे बात करेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के बारे में सत्य है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HRA की बात हो रही है, अर्थात कानपुर की बात हो रही है, अर्थात 1924 वाली बात हो रही है, नहीं 1928 दिल्ली फिरोजशाह कोटला वाला बात नहीं हो रहा है।
देखें, चंद्रशेखर आजाद की प्रेरणा से 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। क्या यह सही है? हाँ सही है। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में काकोरी रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी को पटरी से उतारकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। क्या यह बात सही लिखा हुआ है? दूसरा, क्या यह बात लिखा हुआ है, क्या यह बात सही है, हां या ना? चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में काकोरी रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी को पटरी से उतारकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। एट डाउन ट्रेन का नाम, एट डाउन कहां से कहां जा रही थी यह भी आपको बताया हुआ है। हां, ठीक है, ये सही है, ये गलत है। चंद्रशेखर आजाद नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी तथा अशफाक उल्ला खां को काकोरी षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा मिली थी। सही है, राम प्रसाद बिस्मिल वंदे मातरम कहते हुए फांसी के तख्ते पर झूल गए। क्या उत्तर होगा? बच निकले थे, शामिल थे लेकिन बच निकले थे, बिल्कुल सही है। तो एक सही था, ये दूसरा गलत था, ये तीसरा सही है, चौथा भी सही है। क्या उत्तर होगा? सी उत्तर होगा, 1, 3 और 4। नहीं, सी उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे। हां, काकोरी षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा किसको किसको दी गई थी? बनवारी लाल, जोगेश चंद्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, बताइए कौन सा उत्तर है इसमें। अभी जितने लोगों को फांसी दी जा रही है उनके नाम यहां पे आपने मोटे तौर पे देखा था, ये कुल चार लोग थे जिनको फांसी दी जा रही है। आर 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 ए, ठीक है, इसमें क्या उत्तर होगा? इसमें होगा उत्तर राम प्रसाद, अशफाक उल्ला खां, अर्थात 2 और 4 बी उत्तर बिल्कुल सही है। नहीं, वेरी गुड। 88 की बात करेंगे। निम्नलिखित क्रांतिकारियों की मृत्यु को क्रम अनुसार सजाइए। ऐसा भी प्रश्न बनता है क्या भाई, मृत्यु को भी क्रम से सजाना है। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हो रही है? सूर्यसेन की मृत्यु कब हो रही है? भगत सिंह की मृत्यु कब हो रही है? जतिन मुखर्जी की मृत्यु कब हो रही है? जतिन दा, बताइएगा भाई, कितना अच्छा प्रश्न है। ध्यान से देखिए और सोच करके उत्तर बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हो रही है भाई, मैं पूछ रहा हूं, बताइएगा चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हो रही है? चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हो रही है? तो फरवरी का महीना है, 1931 का वर्ष है। भगत सिंह की मृत्यु कब हो रही है? मार्च का महीना है, 1931 का वर्ष है। सूर्यसेन की मृत्यु कब हो रही है? 1934 में फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। जतिन मुखर्जी, राजनीतिक कैदी की मांग करते करते 64 दिन उपवास करते करते 1930 में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या होगा उत्तर? 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 बी उत्तर बिल्कुल इसका सही होगा। नहीं, आगे बात करेंगे। 89, गदर पार्टी कब भाई? 1913 नवंबर का महीना, 1913 सैन फ्रांसिस्को के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 1913 में अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने गदर पार्टी की स्थापना की हुई थी। सही लिखा।
गदर पार्टी के अधिकांश सदस्य पंजाब के सिख परिवार के व्यापारी तथा मजदूर थे जो वहां रोजी रोटी की तलाश में गए हुए थे। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। वहां भारतीयों को खुले नस्ली तथा आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उत्तर होगा डी 1, 2, 3 गदर पार्टी के संदर्भ। बहुत बढ़िया। 90 की बात करेंगे। निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी ने बाद में राजनीति से संन्यास ले लिया था, बताइए। क्रांतिकारी राजनीति से संन्यास कौन ले ले रहे हैं, तो क्रांतिकारी की बात आती है तो लाल बाल पाल कांग्रेसी नेताओं के नाम हैं, और इसके साथ साथ ये त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं, और इसमें प्लस अरविंदो घोष कर देना है। नहीं, तिलक जी संन्यास नहीं लेते हैं, 1920 अगस्त को निपट जाते हैं। अश्विनी कुमार दत्त कभी संन्यास नहीं लेते हैं, बिपिन चंद्र पाल संन्यास ले लेते हैं सूरत विभाजन के बाद, राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और लंदन चले जाते हैं सेफ जगह पे। अरविंदो घोष पौंडीचेरी चले जाते हैं, इतने डंडे पड़े घबरा करके सन्यासी बन गए और विले आश्रम की स्थापना कर दिए, सावित्री और लाइफ डिवाइन नामक पुस्तकों की रचना किए। उत्तर क्या होगा, 2 और 4, 2 और 4 कहां है भाई, सी उत्तर बिल्कुल सही है। नहीं, 2 और 4 क्लियर है।